इस कहानी में हमने अब तक देखा कि विक्रांत कहता है हाँ मैं सच कह रहा हूँ और इस बार के बारे में मैं सच कह रहा हूँ या झूठ ये तुमको वहाँ पर जाकर ही पता चल जाएगा। दोनों ऐसे ही एक दूसरे से बातें करते हुए कालकेय के पीछे चल रहे थे। उनको पता नहीं चल कि वो कब काली पहाड़ी पर बने एक रहस्यमय गुफा के अंदर पहुंच गए। उस गुफा के अंदर पैर रखते ही सबकी थकान पल भर में गायब हो जाती है। ऐसा होते देखकर जॉन के चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कान थी, जिसे देखकर विक्रांत के चेहरे और भी हल्की सी स्माइल आ जाती है। उस गुफा के अंदर एक पत्थर पर उनको महागुरु अपनी साधना में लीन बैठे हुए दिखाई देते हैं। उनको देखकर सबके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। कालकेय तो महागुरु को देखकर ही बेहद प्रसन्न नजर आ रहा था। आखिर क्यों ना आए, उसके सारे सवालों के जवाब जो उसको आज मिलने वाले थे, जिससे वो एक कदम और उस दिव्य तेजस्वी महाशक्ति शाली हीरे को हासिल करने पे पास आ जाएगा। अब आगे विक्रांत, जॉन, महेश, मेहरा, काली और कालकेय सभी उस काली पहाड़ी में बनी उस रहस्यमय गुफा के अंदर एंटर करते हैं। उस गुफा में कदम रखते ही सबकी थकावट पल भर में गायब हो जाती है। सभी उस गुफा में एंटर होकर आगे बढ़ते हैं। कुछ ही देर गुफा के अंदर चलने के बाद उनको अपने सामने एक बड़े से पत्थर पर बैठे असुरों के गुरु दिखते हैं, जो कि अपनी आंखें बंद कर साधना में लीन थे। उनको देखकर जाके के साथ बाकी चारों के चेहरे पर चमक आ जाती है। कालकेय अपने दोनों हाथ जोड़कर सामने बैठे अपने साधना में लीन महागुरु को प्रणाम करता है। उसी के साथ भी उसी का अनुकरण करते हैं। कालकेय पाने हाथ जोड़कर महागुरु से कहता है, महागुरु काली शक्तियों के अधिपति, इस कालकेय का प्रणाम स्वीकार करे। वही महागुरु जो अपनी साधना में लीन थे, जब उनको गुफा के अंदर किसी के आने की आहट हुई और कालकेय की आवाज से वो पानी आंखें खोल देते हैं और अपने सामने हाथ जोड़े खड़े कालकेय और उसके साथियों की तरफ देखकर अपने हाथ आगे बढ़ाकर अपने मन में मंत्र उच्चारण करते हैं, जिसे उनके हाथ से अजीब सी रोशनी निकलती है। उस रोशनी से महागुरु उन पांचों को बैठने के लिए आसान बनाते हैं और उनकी इशारे से वहां पर बैठने को कहते हैं। वो पांचों महागुरु द्वारा निर्माण किए हुए आसान पर बैठ जाते हैं। उनके आसान ग्रहण करने के बाद महागुरु उन सबकी तरफ देखकर कहते हैं, मुझे पता था तुम लोग जरूर मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आओगे। उनकी बात सुनकर विक्रांत कहता है, इसका मतलब महागुरु आपको ये भी पता होगा कि हम ये पर क्या आए और हमारे समस्या का तोड़ भी जरूर आपके पास होगा। महागुरु विक्रांत की बात सुनकर कहते हैं, हाँ जरूर मुझे अच्छे से पता था कि काली शक्तियां जरूर मुझे ढूंढती हुई आएगी। तुम लोगों को वो दिव्य महाशक्तिशाली धरती का रक्षक हीरा चाहिए, ना पर तुम लोग उसको हाथ नहीं लगा सकते हो। यही तुम लोगों की समस्या है, ना कोई बात नहीं, इसका तोड़ मैंने ढूंढ लिया है। महागुरु की बात सुनकर सबके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और एक अलग ही चमक दिखाई देने लगती है। महागुरु की बात पर कालकेय उनसे पूछता है, क्या तोड़ है महागुरु? उसकी बात पर महागुरु अपने सीरियस फेस के साथ कहते हैं, तुम लोग उस महाशक्तिशाली हीरे को तब तक हाथ नहीं लगा सकते जब तक उसका शुद्धिकरण ना हो। उसके पूजा होने के बाद जब उसको ब्रह्म मुहूर्त में फर्ज एक बार आने वाले 1000 सालों के लिए धरती में विलीन किया जाएगा, उसी क्षण तुम सबको उस हीरे को हासिल करना है। याद रखना, ब्रह्म मुहूर्त निकल जाने के बाद अगर तुम उस हीरे को छुओगे तो तुम सब जल जाओगे। एक बार तुम सबने ब्रह्म मुहूर्त में उस हीरे को छू लिया तो उसके बाद तुमको उस हीरे को एक लाल कपड़े में लपेटना होगा और यह इस काली पहाड़ी पर लाना होगा। उसके बाद हम एक पूजा करके उस हीरे को अपने वश में कर लेंगे, फिर सारी शक्तियां पर असुरों का अधिराज्य होगा। महागुरु जी बात सभी बेहद ध्यान से सुन रहे थे, जिसे सुनने के बाद उन सबके चेहरे पर एक अलग ही चमक और खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उसी के साथ जॉन, महेश, मेहरा और विक्रांत की शक्तियां भी जागृत हो गई थी। कुछ देर वो सब महागुरु से विचार विमर्श करके काली पहाड़ी से राजावत पैलेस के तरफ बढ़ते हैं। दूसरी तरफ आरुषि राजावत, जो अभी तक अरब ने दिखाए हुए फुटेज देखकर ही हैरान थी, उसे यकीन ही नहीं हो रहा
था कि ये सब कैसे हुआ। उसके साथ तो कुछ भी नहीं हुआ था, वो इस सब को इमेजिन कर रही थी। अरब और उसके बीच कुछ भी नहीं हुआ है, ये सब एक छलावा था। वो अरब की तरफ देखती है जो कि उसके तरफ देखकर उसके हालत पर हंस रहा है। वो उससे कहती है, तो ये सब छलावा था, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसकी बात सुनकर अरब उसको डेविल स्माइल देते हुए कहता है, ये बात तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती आरुषि राजावत। तुम्हारे सिर्फ और तुम्हारे उस बाप के वजह से आज मेरी फैमिली मेरे पास नहीं है। तुमने और तुम्हारे बाप ने मेरी फैमिली को मार डाला और मेरी रूही को पागल बना दिया। आरुषि अरब की बात सुनकर इतना तो समझ गई थी कि उसने और उसके डैड ने जो पैसे के खातिर इतने सारी लोगों को जिंदगी बर्बाद की थी, उसमें से एक अरब की फैमिली होगी। उसे तो ये तक याद नहीं आ रहा था कि अरब की फैमिली कौन थी और उसने उनके साथ क्या किया था, क्योंकि उन दोनों बाप बेटी ने इतना के घर उजड़े थे कि उनको याद ही कैसे रहता। अरब आरुषि के चेहरे की अपने हाथ में टाइट पकड़कर उसकी आंखों में अपनी लाल हो चुकी आंखों से देखते हुए कहता है, तुमने बेहद ही बड़ी गलती कर दी आरुषि राजावत उर्फ डेविल क्वीन। ये तुमको अकेले नहीं आना चाहिए था। अब सोचो तुमको मुझसे कौन बचाएगा। ये सब अरब एक समकी की तरह के रहा था। उसके आंखों में एक अलग ही पागलपन और जुनून था जिसे देखकर सुरभि अंदर तक सिहर गई। उसे अब बेहद डर लग रहा था। ये पहली बार था जब सुरभि किसी से इतना डर रही हो और एसी सिचुएशन में भी वो पहली बार फंस गई है। आरुषि को अब अपने ही पागलपन पर गुस्सा आ रहा था। वो कैसे एक लड़के के लिए इतना पागल ही सकती गई कि बिना किसी सेफ्टी के उसको ढूंढने के लिए एसी चली आई। ऊपर से उसके डैड भी इस वक्त शहर में नहीं थे। अब उसको बेहद डर लगने लगा था। अरब की आरुषि के हर एक एक्सीलरेशन को नोटिस कर रहा था। वो जब आरुषि का डरा हुआ चेहरा देखता है, उसको घबराए हुए देखता है, तो वो एक झटके के साथ उसका चेहरा छोड़ देता है और जोर जोर से हंसने लगता है और आरुषि की तरफ देखकर कहता है, वो तो आरुषि राजावत को भी डर लगता है। आरुषि अपने डर पर कभी करके अरब की तरफ देखकर कहती गई, देखो अरब, अब जो भी कुछ तुम्हारे फैमिली के साथ हुआ है हो सब पहले की तरह नहीं हो सकता। मुझे जाने दो, तुम जो चाहोगे वो तुमको मिल जाएगा, बस मुझे ये से जाने दो, कोई भी पागलपन मत करो। आरुषि की बात सुनकर अरब उसके गाल पर कसकर एक चाटा मारता है जिससे आरुषि जमीन पर गिर जाती है। उसके होठों से खून निकलने लगता है। उसके चेहरे पर अरब की पांच उंगलियां छप चुकी थी। आरुषि अपना चेहरा ऊपर कर के अपने गले और हाथ रखकर अरब की तरफ देखती है, तो अरब की गुस्से लाल हो चुकी आंखें देखकर वो डर कर खुद मैं ही सिमट कर उससे दूरी बनाकर दीवार से सट कर बैठ जाती है। अरब अपने हाथ को अपने बालों में घुमाते हुए उस रूम में इधर से उधर घूमकर अपना गुस्सा कम करने की कोशिश कर रहा था। वो आरुषि की तरफ देखकर कहता गई, क्या कहा तुमने, तुम मुझे चाहिए वो दोगी। आरुषि उसकी तरफ देखकर डरते हुए अपना सर हां में हिलाती है। उसके ऐसा करते ही अरब उसकी तरफ अपनी गुस्से से लाल हो चुकी आंखों से देखते हुए कहता है, तो मुझे मेरी फैमिली चाहिए और साथ में मेरी जान रूही पहले की तरह नॉर्मल चाहिए। क्या तुम ये कर सकती हो, क्या तुम मुझे ये सब दे सकती हो, तो बोलो, मैं तुमको छोड़ दूंगा। उसकी बात सुनकर आरुषि अपना सर झुका लेती है, क्योंकि अरब उससे वो मांग रहा था जो वो उसको नहीं दे सकती थी। पर जब उसने अरब से मुंह से मेरी रूही सुना तो उसकी आंखों में गुस्सा दिखने लगा। वो गुस्से से अरब को घूरते हुए कहती है, अरब ये क्या लगा रखा है तुमने, मेरी रूही तुम्हारी नहीं है और मैं तुम्हारे मुंह से ये रूही दोबारा नहीं सुना चाहती। तुम एक बार याद रखना, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, मेरे यानी के आरुषि राजावत के। समझ आ गई बात। आरुषि ये सब गुस्से में अरब के सामने खड़ी होकर कह रही थी। वही अरब जिसका गुस्सा अभी कुछ थोड़ा बहुत ठंडा हो गया था, वो जब आरुषि का खुद पर हक जमाते हुए देखता है तो वो उसके दोनों हाथों को उसके कमरे के पीछे मोड़ते हुए कहता है, क्या कहा तुमने, मैं तुम्हारी हूँ, ये कौन सी गलत फहमी पाल ली है तुमने, और तुम अपने उसे गंदे मुंह से मेरी रूही का नाम नहीं लो तो ही अच्छा है।
इतना कहकर अरब आरुषि को एक जाति में खुद से लग करता है, जिससे आरुषि खुद को संभाल नहीं पाती और नीचे फर्श पर गिर जाती है, जिससे उसको हल्की सी चोट भी लग जाती है पर वो उसको नजरअंदाज करके फिर से अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है और अरब की तरफ अपने आंखों है एक जुनून और पागलपन लिए कहती है, अरब तुमको अभी जो कहना है कहको, पर तुमने अभी तक सिर्फ इस आरुषि का प्यार ही देखा है, पर अब तुम मेरा जुनून और पागलपन और प्यार सब बन गए हो। आरुषि राजावत के दिल में तुमको अपना माना है, तो अब से तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। तुमको अपना बनाने के लिए मुझे चाहिए, जो कर्म पड़े सब करूंगी, उसके लिए मुझे तुम्हारी रूही को मरना पड़ेगा, तब भी मैं उससे पूछा नहीं हटूंगी। आरुषि के मुंह से रूही को मरने की बात सुनकर अरब आरुषि का गला पकड़कर उसको जमीन से ऊपर उठा लेता है और उसकी आंखों में अपनी लाल हो चुकी बाल से देखते हुए कहता है, खबरदार, अगर तुमने मेरी रूही को हाथ भी लगाने के बारे में सोचा भी तो तुम इस अरब सक्सेना का वो रूप देखोगी, जिसे देखकर तुमको अपने जिंदा होने पर पछतावा होगा। इतना कहकर अरब आरुषि को जमीन और पटक कर इस कमरे से बाहर चला जाता है, क्योंकि उसको पता था वो और एक पल उस कमरे में रुकता तो वो आरुषि को मार देगा, और अभी वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसको अभी तक अपने बॉस से कोई ऑर्डर नहीं मिला था। उसको आरुषि से अभी बेहद कुछ इन्फॉर्मेशन निकलनी थी, जिससे वो ये जान सके कि आरुषि और विक्रांत राजावत मित्तल परिवार और खास करके अनाया के खिलाफ क्या साजिश कर रहे हैं। इसलिए अरब अब तक चुप था, नहीं तो उसको एक पल नहीं लगता आरुषि राजावत को खत्म करने के लिए। 10 दिन बाद मुंबई मित्तल मेंशन, सिया मित्तल यानी कि अनाया की बड़ी माँ और देवराज मित्तल अनाया के बड़े पापा दोनों ही अपने रूम में परेशानी में इधर से उधर चल रहे थे, दोनों ही बेहद परेशान थे। वही दूसरी तरफ अखिलेश मित्तल यानी कि अनाया के दादू के स्टडी रूम में इस वक्त बहरूपिया हर्षवर्धन लवकुश और अखिलेश मित्तल के साथ उनकी पत्नी मालती मित्तल बैठी थी। उन पांचों के चेहरे पर परेशानी आसानी से देखी जा सकती थी। वो पांच जन पिछले 10 दिन से परेशान थे, क्योंकि वो जब से इंडिया आए थे तब से उनकी मुलाकात न तो अनाया से हुए और न ही अयान और आयुष से। उन सबको मित्तल मेंशन में कैद करके रखा गया था, क्योंकि नहीं वो लोग मित्तल मेंशन से बाहर जा सकते हैं और न ही वो किसी से कांटेक्ट कर पा रहे थे, इसलिए वो सभी परेशान थे। लव अपने दादू अखिलेश मित्तल से कहता है, दादू मुझे लगता है उस डेविल अनाया को हमारे बारे में पता लग चुका है कि हम उसकी असली फैमिली नहीं है। उसकी असली फैमिली तो पिछले 1 महीने से एक अनजान जगह पर कैद है, जहां से वो कभी बाहर नहीं आ सकते और नहीं उनके बारे में किसी को पता लग सकता है। मुझे पक्का यकीन है उस डेविल को हमारे बारे में पता लग चुका है, नहीं तो आप ही सोचो, जब से हम ये पर आए तब से वो बस एक ही दिन हमारे साथ थी, उसके बाद पता नहीं कहां चली गई। वो तो चली गई पर हम सबको रहा पर कैद करके गई। लव की बात सुनकर कुछ कहता है, हाँ मुझे भी लव की बात सही लग रही गई, हमको जल्द से जल्द इस मेंशन से बाहर निकलना होगा, नहीं तो कहीं हम यहीं पर कर जाएंगे। हर्षवर्धन कहता है, बात तो तुम दोनों की सही है, और पता नहीं 10 दिन पहले ऐसा क्या हुआ कि उस दिन से ही वो मायरा भी गायब है और ऊपर से न जाने वो डेविड कहां मर गया, उससे कांटेक्ट ही नहीं हो रहा है। वो तो उस डेविल अनाया को मरने आया था, न तो पता नहीं कहां चला गया उसकी बात। और अखिलेश जी हर्षवर्धन को शांत करते हुए कहते हैं, शांत हो जाओ हर्षवर्धन, डेविड किसी काम में होगा इसलिए वो हमसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, और उसकी ताकत को तुम काम मत समझना, तुम जानते हो ना वो डेविल गैंग का लीडर है, जिसे उसने अपनी बलबूते पर इतना बड़ा किया है। तुम तो बस नाम के लीडर हो, पर सभी काम तो मेरा पिताजी करता है। अपने डैड की बात सुनकर बेहरूपिया हर्षवर्धन कहता है, डैड आप भूल कैसे जाते हो कि आप सब अभी मित्तल मेंशन मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे वजह से हो। उसकी बात पर इतनी देर से शांत बैठी मालती जी कहती है, हाँ वैसे तो बात तो सही कही तुमने, मेरा बेटा भी कोई काम नहीं है, अगर उसने नहीं कॉलेज के टाइम पर हर्षवर्धन से दोस्ती की होती और नहीं हम आज ये पर होते, ये
तो अच्छा हुआ यैन वक्त और कुलदीप ने हेरधवर्धन और उसके परिवार को अगवा कर दिया, जिस हम उनके बेस में अभी तक जिंदा है, नहीं तो आप भूल गए क्या ऑस्ट्रेलिया का डॉन जोजेफ कैसे हमें मरने के लिए हमारे पीछे पड़ा है। हम मित्तल फैमिली में है पिछले महीने से, इसीलिए वो हम तक पहुंच नहीं पाया, नहीं तो अब तक हम सब बागवान को प्यारे हो गए होते। आपसे एक काम ढंग से नहीं होता, खुद तो फंस जाते हैं, ऊपर से अपने साथ सारी फैमिली को भी फंसते हैं। आपको क्या जरूरत थी उस दिन से दुश्मनी लेने की, अब देखो उससे बचने के लिए हमको कैसे छुप कर रहना पड़ रहा है। अखिलेश जी चुपचाप अपना सर नीचे करे हुए अपनी वाइफ की डांट खा रहे थे, क्योंकि उनको पता था उनकी वाइफ जो भी कह रही है वो सही कह रही है, और ऊपर से अब वो जिस मित्तल फैमिली में है वहां पर भी अब वो ज्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं रहने वाले, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अनाया के इतने दिन से गायब होने से यही लग रहा था कि अनाया को उनके ऊपर शक हो गया है, वो उनकी असली पहचान जानती है। फ्रेंड्स, आप सबको तो पता चल ही चुका होगा कि कुलदीप ने ऑस्ट्रेलिया में हर्षवर्धन मित्तल से डील साइन की थी, तब वो दोनों मिले थे और वो दोनों ही कॉलेज टाइम के दोस्त हैं, और कुलदीप ने ही मित्तल परिवार को अगवा कर के खुद अपनी फेंकी के साथ उनकी पहचान लिए। इतने दिन से अनाया के साथ रह रहा था डेविड, कोई और नहीं बल्कि कुलदीप का ही बेटा है, जो कि डेविल गैंग का असली लीडर है, और कुलदीप बस नाम के लिए डेविल गैंग का लीडर है, पर डेविल गैंग के सारे डिसीजन तो डेविड ही पर्दे के आर से लेता है। एएम सोसाइटी, मुंबई में एएम सोसाइटी में आने वाले विला नंबर 303, जिसका नाम व्हाइट मेंशन था, उसके हॉल में इस वक्त अनाया, अयान, आयुष, देवांश और मुस्कान बैठे थे। वो पांच जन अपने सामने के टीवी पर मित्तल मेंशन के सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे, जिसमें अखिलेश मित्तल का स्टडी रूम और देवराज मित्तल के रूम की फुटेज चालू थी। उन लोगों ने अभी जो भी कहा वो सब अनाया, अयान और बाकी थ्री लोगों ने सुन भी लिया था और देख भी लिया था अपने सामने की सीसीटीवी फुटेज देखकर, जहां पर देवांश, मुस्कान और आयुष गुस्से में थे, वही अयान और अयाना के चेहरे पर उस वक्त कोई भी भाव नहीं थे। वो दोनों के मन में क्या चल रहा या वो दोनों क्या सोच रहे हैं ये बता पाना मुश्किल था। आयुष गुस्से से कहता, गई एंजल और दोस्त, आप दोनों ऐसे हाथ पर हाथ रख कर कैसे बैठ सकते हो, और वो सब धोखे बाज लोग कैसे हमारे घर पर कब्जा करके बैठे हैं, और पता नहीं डेड लव भाई, कुश भाई कहाँ पर हो गए, मुझे उनकी बेहद याद आ रही है। अयाना अपने छोटे भाई की तरफ देखती है, उसकी नम आंखें देखकर उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो उसके बालों को अपने हाथ से सहलाए हुए कहती है, रिलैक्स आयुष, तुम इतना उदास मत हो और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, जल्द ही हमारी फैमिली हमारे पास होगी। डैड लव कुश और दादू एंड दादी जहां पर भी है बिल्कुल सेफ है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं हूं, मैं सब संभाल लूंगी। अनाया की बात सुनकर आयुष उसकी तरफ अपनी आंखों में चमक लिए हुए कहता है, इसका मतलब एंजल आप कांति होना, दादू दादी और बाकी सब लोग कहां पर है। अनाया उसकी बात सुनकर बस हाँ मैं सर हिला देती है और आगे कहती है, आयुष वो जहाँ पर भी है सुरक्षित है, अभी उनको वो लोग जहाँ पर भी है वही रहना ज्यादा सेफ है। और तुम भी मेरी एक बात याद रखना, तुम इस सोसाइटी से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाओगे, समझ में आई बात। आयुष अपनी बहन की बात सुनकर अच्छे बच्चे की तरह होना सर हाँ मैं हिला देता है। अयाना इसके बालों को सहलाते हुए कहती है, आयुष अभी हम किसी इम्पोर्टेंट काम से बाहर जा रहे हैं, तुम अपना और माँ का ख्याल रखना, और जब तक हम लोग न आए रब तक व्हाइट मेंशन के बाहर मत जाना, तुम्हारे सेफ्टी के लिए नितिन और रमेश यहीं पर है। आयुष अपनी बहन की बात पर अच्छे बच्चे की तरह अपना सर हिला देता है और वहां से अपने कमरे की तरफ चला जाता है। उसके वहां से जाते ही अयाना नितिन और रमेश को आयुष और उसकी मॉम की सुरक्षा की जिम्मेदारी देकर वहां से अयान, मुस्कान और देवांश के साथ व्हाइट मेंशन से बाहर चली जाती है। इस वक्त मुंबई की सड़क पर महंगी ब्लैक कलर की कारों का काफिला तेजी से शहर के बाहर जा रहा था, और कुछ ही समय बाद वो सारी कारें शहर के बाहर एक बड़े घने जंगल के बीचों बीच जाकर रुक जाती है।
वो जंगल बेहद ही घना था और उसमें बेहद सारे खतरनाक जानवर थे, पर उस वक्त वो कारों का काफिला जिस जगह और रुका था उसके 1000 मीटर के रेडियस में कोई भी जंगली या खतरनाक जानवर नहीं था। उन कारों के रुकते ही बीच के काली कार के फ्रंट सीट से देवांश बाहर आता है और पीछे वाली सीट का डोर खोल देता है और दूसरे साइड का डोर मुस्कान खोल देती है। उन कार में से अयान और अयाना अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुए किसी राजा और रानी की तरह बाहर आते हैं और उस जंगल के अंदर एंटर करने लगते हैं। उनके ठीक पीछे मुस्कान और देवांश चल रहे थे और उन सबको प्रोटेक्ट करते हुए बंदूक लिए हुए बॉडीगार्ड चल रहे थे। कुछ ही देर बाद अयान और अयाना एक बेहद ही डरावनी दिखने वाली गुफा के बाहर आकर रुक जाते हैं। अयान आगे बढ़कर उस गुफा के बाहर रखे हुए 5 छोटे छोटे पत्थर हटाकर दूसरी साइड बने हुए 5 होल में रख देता है। उसके ऐसा करते ही उस गुफा के अंदर हलचल होने लगती है, जिससे हल्की से उनके नीचे की जमीन हिलने लगती है, जिसे महसूस कर मुस्कान डरकर अपने पास खड़े देवांश का हाथ कसकर पकड़ लेती है। वही देवांश जो कि बिना किसी इमोशन के सामने देख रहा था, उसको जब अपने हाथ और किसी की पकड़ महसूस होती गई तो वो अपनी हाथ की तरफ देखता है। उसके हाथ को किसी के गोरे कोमल हाथों में पकड़ा था, जिसे देखकर वो अपने पास खड़े उस हाथ के मालिक को देखता है तो उसकी नजरें उसके चेहरे पर टिक सी जाती है। उसको इस वक्त मुस्कान बेहद ही खूबसूरत और प्यारी लग रही थी और उसका वो डरा हुआ चेहरा देखकर उसको उस पर बेहद प्यार आ रहा था, क्योंकि वो बेहद ही क्यूट लाल रही थी। वो मुस्कान के हाथ को अपने हाथ में टाइट पकड़ कर उसका हाथ सहलाने लगता है, जिस मुकाम का डर थोड़ा शांत हो जाता है। वही अयान के सामने एक स्क्रीन आ जाती है जिसने पासवर्ड डालने को कह रहा था, जिसे देखकर अयान एक बार अयान की तरफ देखता है और वो उस स्क्रीन पर 2 डिजिट टाइप करता है और फिर अयाना उस पर आगे के 2 डिजिट टाइप कर देती। उसके बाद अयान एंटर का बटन प्रेस करता है। कोस से एक हटके के साथ सामने की गुफा का डोर अनलॉक होता है और उस डोर के अंदर एक बेहद बड़ा रास्ता दिखाई देता है और उसको पार करने के लिए वहां पर एक 4 बुलेट थी। अयाना और अयाना उस गुफा के अंदर जाते हैं और उनके पीछे ही मुस्कान, जो कि अब काफी हद तक संभाल गई थी, उसके साथ देवांश साथ में और 4 गार्ड उस गुफा के अंदर एंटर करते हैं। बाकी के सारे उस गुफा के एंट्रेंस के आगे अपनी राइफल लिए हुए खड़े थे। उन सब के अंदर जाते हैं। गुफा का डोर फर्ज लॉक हो जाता है। उस गुफा में देर बंद होने से लगी अंड हो गया था, जिसे देखकर अयाना 2 बार क्लैप करती है, जिससे उस पूरे गुफा के अंदर रोशनी हो जाती है। सभी वहां रखी बाइक पर बैठ जाते हैं और सभी उस गुफा के अंदर की तरफ बढ़ जाते हैं। कुछ ही समय बाद, करीब 30 मिनट के बाद, वो सभी उस गुफा के आखिरी यानी कि एंड में पहुंच गए थे। वही पहुंचकर सभी अपनी बाइक से उतर कर उस गुफा का पीछे वाला गेट ओपन कर उस गुफा के बाहर आते हैं, तो वो सभी अभी जहां पर खड़े थे वहां से सामने देखने पर जहां तक नजर जाती वहां पर सिर्फ पानी ही पानी था, जिसे देखकर मुस्कान के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो अपने सामने इतना पानी देखकर बेहद खुश थी। वही अयानो अयाना बिना किसी भाव के अपने सामने दिख रहे अथांग समुद्र को देख रहे थे, जिसका अंत उनको दिख ही नहीं रहा था। अयाना अयान की तरफ देखकर कहती है, आयु तुमको पक्का यकीन है हम इस वक्त सही जगह पर खड़े हैं? ये सही हमारी मंजिल का दूसरा रास्ता हमको मिलने वाला है। अयाना अयान के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहता है, हाँ अनु, जो मैप हमको गुरुदेव ने दिया था उसके मुताबिक हम इस वक्त सही जगह पर है। इतना कहकर वो अपने पीछे खड़े एक गार्ड से ओना टैबलेट मंगाता है और उसमें एक मैप ओपन करके अनाया को दिखते हुए कहता है, अनु ये देखो हम इस वक्त ये पर है। इस पॉइंट पर खड़े होने के बाद हमको सामने पानी ही पानी दिख रहा है और अब को हमारे मंजिल का दूसरा रास्ता है वो यही कहीं हमारे पास है। बस अब हमको उसे ढूंढना है, उसके बाद हम अपनी फाइनल डेस्टिनी तक पहुंच जाएंगे। अयान अयान मुस्कान और देवांश के साथ उनके सबसे भरोसेमंद और काबिल गार्ड आगे का छुपा हुआ रास्ता ढूंढने में बिजी हो जाते हैं।
दूसरी तरफ कालकेय और उसके वो चार साथी यानी कि जॉन, विक्रांत, राजावत, काली, महेश, मेहरा सभी इस वक्त राजावत पैलेस में हॉल में बैठे थे और उन सबके आगे बड़ी सी स्क्रीन पर एक मैप शो हो रहा था जिसे वो सभी बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। अपने सामने बड़ी सी स्क्रीन पर दिख रहे मैप को देखकर विक्रांत राजावत कालकेय की तरफ देखकर कहता है, लीडर जब हमारे पास भी ये मैप है तो हम इस मैप की मदद से उस रक्षक के पहले क्यों ना उस महाशक्तिशाली हीरे के पास पहुंच जाते और जैसा कि महागुरु ने बताया था वैसे उस हीरे की पूजा 5 दिन तक चलने वाली है तो अब तो हमारे पास भी शक्तियां हैं तो हम वहीं पर अदृश्य होकर उस रक्षक के आसपास रह सकते हैं। जब वो हीरा पूरी तरह से शुद्ध हो जाए उसके बाद हम उसको ब्रह्म मुहूर्त में उस रक्षक के छूने से पहले आसानी से उठा सकते हैं। उसकी बात सुनकर कालकेय कहता है, बात तो तुम्हारी सही है विक्रांत, पर हम इतने जल्दी उस रक्षक के सामने आके अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकते हैं। पहले उस रक्षक को उस महाशक्तिशाली हीरे को ढूंढने दो, उसके बाद हम वहां पर जाएंगे, उससे पहले नहीं। विक्रांत कालकेय की बात सुनकर वो क्या कहना चाहता है यूं समझ कर वो चुप हो जाता है। वो सभी कुछ देर वही और बैठकर आगे क्या करना कैसे करना उस पर डिस्कस करके अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वही दूसरी तरफ मित्तल मेंशन में आज भी अनाया का कोई अता पता नहीं था और न ही उसका कॉल लग रहा था, जिससे हर्षवर्धन यानी कि उसके वेश में कुलदीप बेहद ही गुस्से में था। वो अपने डैड से कहता है, डैड अब बस हो गया, मैं और उस महल में कैद होकर नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूँ बाहर। इतना कहकर वो बिना अपने डैड की बात सुनकर उस मेंशन से बाहर जाने के लिए अपना पैर बाहर रखता गई। वैसे ही उसको अपने पास से बेहद सारी गोलियां गुजरती हुई दिखाई देती है जिसे देखकर वो कस के अपनी आंखें बंद कर देता गई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, डर के मारे उसके चेहरे पर बेहद सारा पसीना आ गया था। वो जैसे बाहर आया था वैसे ही अपने कदम मेंशन के अंदर लेकर मेंशन का में गेट बंद करके उसी डोर से लगकर नीचे बैठ जाता है। इस वक्त उसकी हालत बेहद खराब थी, वो डर के मारे कांप रहा था। अखिलेश जी और उनका सारा परिवार भी बाहर चल रही गोलियों की आवाज सुनकर डर गए थे। जब उनकी नजर अपने बेटे हर्षवर्धन पर जाती है, किसका डर के मारे बुरा हाल था, उसे देखकर अखिलेश जी उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हैं। हर्षवर्धन एक पल के लिए तो किसी का हाथ अपने कंधे पर महसूस कर डर जाता हुआ, पर जब वो देखता है तो कोई और नहीं बल्कि उसके डैड है, तो वो अपनी जगह से उठकर अपने डैड के गले लग जाता है और कहता है, डैड अनाया को हमारे बारे में पता चल गया है, शी ट्रैपस, मुझे बेहद डर लग रहा है डैड, और तो और डेविड का भी कुछ पता नहीं चल रहा है, कहीं उसने डेविड को मार तो नहीं दिया डैड। इतना कहकर हर्षवर्धन अपने डैड को कसके हग करता है। अखिलेश जी को भी अब अपने बेटे की बात सुनकर और बाहर थोड़ी देर पहले चली हुई गोलियों के आवाज से वो भी समझ गए थे कि अनाया को सच्चाई पता चल गई है और उसने उन सबको बड़े ही शातिर तरीके से मित्तल मेंशन में कैद कर लिया है। उनमें से कोई ना तो बाहर जा सकता है और ना ही बाहर से कोई उनके मदद के लिए यहाँ आ सकता है, और तो और वो किसी से कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे गई। वही हाल में मौजूद बाकी सबका हाल भी बेहद खराब था। नकली लवकुश, दादी, देवराज और सिया सभी वही हाल में सोफे पर बैठे थे। उन सब ने बाहर चलने वाली गोलियों की आवाज सुन ली थी और अपने सामने उनने अभी हर्षवर्धन यानी कि उसके वेश में जो था उस कुलदीप की हालत भी देख की थी। उन सब के अंदर भी एक अनजाने डर ने घर कर लिया था। अब उन सबको अफसोस हो रहा था कि वो सब कुछ चंद पैसों के लालच के चक्कर में ये क्यों आए, क्यों इन लोगों ने मित्तल परिवार को कैद करके खुद उनके जगह पर उनका रूप धारण करके रही रहे हैं। उनको अच्छे से पता था कि मित्तल परिवार की प्रिंसेस अनाया मित्तल कोई आम लड़की नहीं है, वो अंडरवर्ल्ड पर राज करती है, पर फिर भी उन लोगों ने इतनी बड़ी जोखिम क्यों उठाए। पर अब इस बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि अब सब कुछ हो गया है, अब कुछ भी बदला नहीं जा सकता था। बस अब उन लोगों को इस सब में से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना था।
दूसरी तरफ अनाया अयान मुस्कान देवांश और उनके साथ आए हुए 4 बॉडीगार्ड उस गुफा के एंड प्वाइंट पर थे। उन सबके सामने दूर दूर तक जहां भी नजर जा रही थी वहां पर पानी ही पानी था और उनके पीछे गुफा के अंदर जाने का रास्ता और उनके बाएं तरफ गहरा जंगल था और उनके दाएं तरफ भी जंगल था, बट वो इतना गहरा या घना नहीं था। अनाया के हाथ में मैप था और वो उस मैप को अच्छे से अपनी आंखों से स्कैन करके वो दूसरा द्वार ढूंढ रही थी जिससे वो अपनी मंजिल की तरफ पहुंच सके। वही अयान और देवांश अपने आसपास को जगह को स्कैन कर रहे थे। मुस्कान भी अपने आसपास देख रही थी, उसके अपने बाएं तरफ के घने जंगल की तरफ उसको उस जंगल के एंट्रेंस पर एक अजीब सा वे दिखता है जो कि उसके आसपास के सभी पेड़ों से अलग लग रहा था, जिसे देखकर मुस्कान अपने पास ही खड़े देवांश से कहती है, देवांश वो देखो वो पेड़ बाकी सब पेड़ों से अलग है, देखो उसके आसपास के पेड़ कितने बड़े गई पर ये कितना छोटा है, और तो और उसकी पत्तियां भी बाकी सारी पेड़ों से बड़ी है और उसका कलर भी बाकी पेड़ों के कॉलर से डार्क ग्रीन है। मुस्कान की बात सुनकर देवांश का ध्यान भी उस पेड़ की तरफ जाता है जो कि एक पेड़ के आड़ छुप गया था, जिस से पहली नजर में देखने पर वो आसानी से देखा नहीं जाता पर ध्यान से देखने पर पता चल जाता है। वही उन्हीं से कुछ दूरी पर खड़ी अनया मुस्कान की बात सुनकर अपना चेहरा ऊपर करके मुस्कान जिस दिशा की ओर इशारा करके देवांश से बात कर रही थी उस तरफ देखती है, और जब अनाया उस पेड़ की तरफ देखती है जो बाकी सारे पेड़ से अलग था, उसे देखकर अनाया की आंखें में चमक आ जाती है। वो एक बार अपने सामने दिखाई दे रहे उस पेड़ को देख रही थी और फिर अपने हाथ में मौजूद लैपटॉप पर दिखाई दे रहे मैप की तरफ देखती है। मैप में दिख रहे उस सबसे अजीब सा पेड़ और अपने सामने दिख रहे पेड़ में बेहद सारी समानताएं थी। अनाया अपने से कुछ दूरी और खड़े अयान के पास जाकर उसको अपने हाथ में मौजूद टैबलेट में शो हो रहा मैप में एक जगह पर पॉइंट करती है और फिर सामने देखने को कहती है। अयान अयाना उसको क्या दिखाना चाहती है और वो क्या कहना चाहती है वो समझ जाता है और अयाना के हाथ में से टैब लेकर उसे अपने बैग में डाल देता है और उसका हाथ पकड़कर वो उस पेड़ की तरफ बढ़ जाता है। उसके ही पीछे बाकी सभी भी चल रहे थे। थोड़ी देर चलने के बाद वो सब उस पेड़ के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। वो पेड़ उन सब से बस 5 कदम की दूरी पर था। वो लोग उस पेड़ के पास जाने के लिए अपना कदम आगे बढ़ता ही है कि वहां पर तेजी से हवाएं चलने लगती है, साथ में अचानक बिन मौसम बारिश चालू हो जाती है, जिसे देखकर अयान अयान का हाथ पकड़े पर फिर से गुफा की तरफ बढ़ जाता है। वो सभी कुछ ही समय में उस गुफा के एंड प्वाइंट के पास खड़े थे और अपने सामने चल रही उस बिना मौसम की बारिश को देख रहे थे। दूसरी तरफ शहर के बाहर सुनसान जगह पर बने एक छोटे से घर के अंदर का माहौल इस वक्त बेहद ही शांत था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि बड़े तूफान के आने से पहले की शांति है। और बात भी सही थी, उसी दो मंजिला घर के सेकंड फ्लोर बने गेस्ट रूम के अंदर आरुषि राजावत को कैद किया गया था। आरुषि इस वक्त बेड पर बैठकर अपने सामने के मिरर में अपने अक्स को एक तक देख रही थी। इस वक्त किसी पागल से कम नहीं लग रही थी। उसके सारे बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर किया हुआ सारा मेकअप फैल गया था, जिसे वो काफी डरावनी लग रही थी। आरुषि अपने सामने आईने में दिख रहे खुद के अक्स को देखकर कहती है, अरब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, तुमको मुझसे कोई भी छीन नहीं सकता, जो भी मेरे और तुम्हारे बीच में आएगा उसको मरना होगा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, अब बस हो गया, अब तुम अच्छी तरह से असली आरुषि राजावत से मिलोगे, जिसके एक इशारे पर दुनिया इधर से उधर हो जाती है, जिसके देखने भर से लोगों की डर के मारे हालत खराब हो जाती है, अब तुम्हारा सामान उसी आरुषि से होगा जिसने हारना कभी सीखा ही नहीं, वो बस जितना जानती है और जो चीज उसकी है वो किसी को भी इस चीज को नहीं देती, तुम तो मेरी जान हो, तुमको मैं अपने आप से दूर ही नहीं जाने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, किसी की जान लेने से भी मैं पीछे नहीं हटूंगी। इतना कहकर आरुषि एक नजर खुद को आईने में देखती है, फिर बेड से उठकर वॉशरूम की तरफ चली जाती है। थोड़ी देर
बाद आरुषि बाथरूम से फ्रेश होकर बाथरोब पहनकर बाहर आती है। उसी रूम में बने ड्रेसिंग एरिया में जाकर देखती है तो वहां पर लड़कियों के कपड़े रखे हुए थे। वो उनमें से एक ड्रेस लेकर चेंज कर लेती है। फिर आईने के सामने खड़े होकर अच्छे से अपना मेकअप करके रेडी हो जाती है। एक बार खुद को अच्छे से आईने में देखती है, जब उसको सब एकदम परफेक्ट लगता है तब जाके वो उसी रूम में लगे सोफे पर जाकर बैठ जाती है और अपनी आंखों से उस रूम को अच्छे से स्कैन करने लगती है। उसके बाद वो अपना राइट हैंड आगे करती है और राइट हैंड के हथेली के पीछे जो एक छोटा सा ब्लैक कलर का तिल था उसकी तरफ देखती है। उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ जाती है। आरुषि अपने हथेली के पिछले हिस्से में जो छोटा सा ब्लैक कलर का तिल था उस पर अपना हाथ फिरते हुए कहती है, मेरा सबसे भरोसेमंद साथी है, तुमको ही अपनी मालकिन का काम करना होगा और अपनी मालकिन को इस जगह से निकलने में अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। इतना कहकर वो बड़े ही प्यार से उस ब्लैक स्पॉट को देखकर उस पर अपने होठों को रख कर लाइट किस कर देती है। उसके बाद वो उस ब्लैक स्पॉट यानी का तिल पर अपने दूसरे हाथ की बीच वाली उंगली से दो बार टैप कर देती है और अपने सामने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखती है। जब घड़ी में 5 उसने इस ब्लैक स्पॉट पर टैप किए बर 5 मिनट शो होते हैं। उसके बाद वो उस ब्लैक स्पॉट पर अपने दूसरे हाथ की बीच वाली उंगली से दो बार टैप करती है। उसके ऐसा करते ही उसके हथेली के पीछे वाली साइड के उस ब्लैक स्पॉट का वाले चेंज हो जाता है। ब्लैक स्पॉट अब एकदम डार्क रेड कलर का हो गया था। उसके ऐसा पास ग्रीन कलर के छोटे छोटे स्पॉट दिखने लगते हैं। आरुषि इस रेड स्पॉट पर दो बार टैप करती है जिससे करीब 5 सेकंड बाद उस रेड स्पॉट का कलर फिर चेंज हो जाता है। अब वो ब्लैक स्पॉट जो रेड कलर में बदल गया था वो फिर एक बार कलर बदलकर पर्पल कलर का हाथ है और उसके आसपास जो छोटे छोटे ग्रीन स्पॉट थे उनमें से हर एक बीच वाला स्पॉट रेड कलर का हो जाता है, यानी कि अब सेंटर वाले पर्पल स्पॉट के चारों ओर जो गोल घेरे में छोटे छोटे स्पॉट थे वो अब एक ग्रीन उसके पास रेड और उसके पास फर्ज रेड इस तरह थे, जिससे आरुषि के हाथ पर एक अजीब सा ही गैजेट तैयार हो गया था जो कि उसने खुद अपने अंदर इंसर्ट किया गया था। अब सुरभि उस गैजेट का इस्तेमाल कैसे करती है और कैसे वो गैजेट उसकी उस 2 मंजिला घर से बाहर निकलने में मदद करता है, ये हम कल के चैप्टर में देखेंगे। और आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, अरब आरुषि को इतनी आसानी से अपनी कैद से आजाद होने देगा? अयाना अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगी? और जो बिन मौसम बारिश हो रही थी वो एसी ही हो रही है या उसके पीछे भी कोई कारण है? अयाना सही समय तक अपने मंजिल तक पहुंच पाएगी या नहीं? इस वक्त आरुषि के हथेली के बैक साइड पर एक क्लॉक की तरह एडवांस केबल का एक गैजेट ओपन हो गया था जो कि एक रिमोट की तरह काम कर रहा था। आरुषि अपने हथेली पर शो हो रहे गैजेट को देखकर डेविल स्माइल करती है और कहती है, अब मैं जल्द ही इस कैद से आजाद हो जाऊंगी, उसके बाद अपने प्यार को अपने कैद में कैद कर रखूंगी जहां से वो कभी भी निकाल ही नहीं पाएगा। इतना कहकर आरुषि पागलों की तरह हंसने लगती है और अपने हाथ में मौजूद गैजेट के बीच का पर्पल कलर के स्पॉट पर 2 बार टैप करके दाएं ओर से उसके आसपास जो छोटे छोटे स्पॉट थे उन पर बारी बारी टैप करती है। उसके ऐसे करते ही उस पर्पल स्पॉट के साइड के स्पॉट एक गोल राउंड में घूमने लगते हैं और कुछ ही सेकंड बाद वो अचानक आरुषि की हथेली में गायब हो जाते हैं। और थोड़ी देर बाद आरुषि के हथेली पर डन का ऑप्शन आता है जिसका मतलब था उसका मैसेज और उसकी लोकेशन वो जिसको भी भेजना चाहती थी वो काम हो गया। आरुषि इस वक्त बेहद खुश थी और वो इस कैद से बाहर जाने के ख्वाब देख रही थी, इस बात से बेखबर कि अरब उस से 4 कदम आगे है। अरब साइड के रूम में बैठकर अपने लैपटॉप पर आरुषि के हर एक हरकत को नोटिस कर रहा था। आरुषि के कमरे में अरब ने एक बेहद ही छोटा सा एडवांस लेवल का कैमरा इंसर्ट कर दिया था जिस आरुषि अनजान थी। अरब को बस आरुषि के अगले चाल का इंतजार था। वो अच्छे तरह से जानता था कि आरुषि यूं ही हार मानने वाली में से नहीं है। आखिर उसके अंदर विक्रांत राजावत का खून बहता है जो कि कमीनों का कमीना है। जब 100 कमीने लोग
मेरे होगे तब कहीं जाकर विक्रांत राजावत का जन्म हुआ होगा और आखिरकार आरुषि उसकी ही बेटी है तो उसके अंदर भी उसके गुण होगे ही। अरब अपने लैपटॉप पर शो हो रही आरुषि के कमरे की सीसीटीवी फुटेज देखकर कहता है, तुमको जितने भी ख्वाब देखना है देख लो आरुषि राजावत, आखिरकार ख्वाब देखने का सबका अधिकार है पर मैं तुम्हारे किसी भी ख्वाब को पूरा नहीं होने दूंगा। अभी बस इसलिए शांत ही क्योंकि मुझे वो मेरे बॉस को तुम्हारे साथ कौन कौन मिले हैं उनके बारे पता करना है और साथ में तुम्हारे और तुम्हारे साथियों के साथ तुम्हारे सारे गैर कानूनी काम एक झटके के साथ इंडिया के मैप से गायब करने हैं। इतना कहकर अरब अपना फोन निकल कर किसी को कॉल करके उसको कुछ कहता है और फिर अपना फोन कट करके अपने जानते से बाहर निकल जाता है। वही दूसरी तरफ अयान अयाना और उसके साथी इस वक्त उस गुफा के एक रीच छोर पर खड़े थे और बारिश अब भी चालू ही थी जिसे देखकर सबके चेहरे पर परेशानी की लकीरें आ जाती है। अयाना अपने सामने हो रही बारिश को देखती है और अपने हाथ आगे करके बारिश की बूंदें अपने हाथ में पकड़कर अपनी आंखें बंद करके मंत्र उच्चारण करती है। उसके ऐसा करते ही उसके सामने कुछ धुंधली सी तस्वीरें आने लगती है। कुछ ही समय बाद सारी तस्वीर उसके सामने क्लियर हो गई थी। अयाना अपनी आंखें खोलकर अयान की तरफ देखकर कहती है, आयु ये बारिश नहीं रुकने वाली, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है, हमें 10 मिनट में इस पेड़ में जो खिपिया या रास्ता है उसे अनलॉक करके उस द्वार के अंदर एंटर करना, नहीं तो अगले 10 मिनट के बाद बारिश और भी तेज हो जाएगी जिसमें हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे, हम यही और अटक जाएंगे। अयान की बात सुनकर अयान और बाकी सब अयाना के साथ तेजी से उस पेड़ के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। बारिश हल्की हल्की तेज हो रही थी जिससे उन सबको उस पेड़ के अंदर जो सीक्रेट डोर था उसे खोजने में दिक्कत हो रही थी। अयाना अपना हाथ उस पेड़ पर रख कर अपनी आंखें बंद करके अपनी शक्तियों की मदद डोर ढूंढने की कोशिश करने लगती है पर उसका कोई फायदा नहीं होता। वो अपनी आंखें खोलने ही वाली होती है कि तभी उसके हाथ पर अयान का हाथ आ जाता है और अयाना को अपने सामने वो द्वार दिखाई देता है जिसे देखकर वो अपनी आंखें ओपन करके अपने सामने देखती है और बाकी सबसे कहती है, आप सब साइड हटो, इस पेड़ से थोड़ी दूरी बनाकर रखो। सभी अयाना के कहने के मुताबिक इस पेड़ से थोड़ी दूर खड़े हो जाते हैं। मुस्कान कहती है, बॉस सिर्फ 2 मिनट बचे है, जल्दी करिए। अयाना मुस्कान की बात सुनकर बस अपना सरहा में हिलाती है और अपने सामने दिख रहे अदृश्य डोर के ऊपर अपने हाथ से स्वास्तिक बनाती है। उसके ऐसे करते ही वो डोर खुल जाता है जिसे देखकर अयाना के साथ सबके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। सभी बिना एक भी समय गवाए उस द्वार के अंदर एंटर हो जाते हैं। आखिर में देवांश था, उसके अंदर आते ही वो द्वार फिर से गायब हो जाता है। अयाना और बाकी सब अपने सामने देखते हैं तो उनके सामने एक अलग ही बेहद खूबसूरत दुनिया थी जिसे देखकर उनकी आंखों में चमक आ जाती है। उनके सामने एक बेहद ही खूबसूरत नदी बह रही थी। नदी को पार करके दूसरी तरफ जाने के लिए बेहद ही खूबसूरत लकड़ी का पुल बनाया गया था। वही दूसरी साइड बेहद ही खूबसूरत अलग अलग प्रकार के फूलों के पौधे थे और उनमें कहीं मेडिसिनल प्लांट थे जो कि इंडिया में या यूं कहे कि पृथ्वी पर बेहद की कम मात्रा में पाए जाते थे या यूं कहे कि वो अब धीरे धीरे नामशेष होते जा रहे थे। वही नदी के अंदर बेहद ही खूबसूरत अलग अलग प्रकार के मछलियां थी। साथ में उस नदी के आसपास के वातावरण में बेहद शांति और सुकून था। वहां का वातावरण बेहद की प्रसन्न था। अयाना के सामने उस वक्त जो दुनिया थी वो बाहर की दुनिया से बेहद ही अलग थी। अयाना अयान और बाकी सब कुछ देर तो आसपास की खूबसूरती को निहारते ही रहते हैं पर बाद में उनके कान में एक अजीब सी आवाज आती है जिसे सुनकर सब अपने होश में आते हैं और अपने आसपास बड़े ही सावधानी से देखने लगते हैं क्योंकि वो सब जानते थे कि यह पर जितना मूल्यवान खजाना था उतना ही खतरा भी था। वही दूसरी तरफ कालकेय जो इस वक्त अपनी आंखें बंद करके साधना में लीन था और उसके ऐसा पास ही वो चारों यानी कि महेश मेहरा, जॉन, विक्रांत राजावत और काली सब अपनी आंखें बंद करके ध्यान कर रहे थे। तभी वहां पर एक अजीब
सी आवाज सुनाई देती है जिससे उन सब की आंखें खुल जाती है। सभी का ध्यान उस तरफ जाता है जहां से अभी अजीब सी आवाज आई थी, तो उनको अपने सामने एक बाज दिखाई देता है जिसके मुंह में एक अजीब तरफ का कपड़ा था जिससे उसकी आवाज अजीब हो गई थी। वो बज उड़कर कालकेय के हाथ पर बैठ जाता है और उसकी तरफ देखकर उसको अपने मुंह में रखे कपड़े को देखने को कहता है। कल्कि उस बाज के मुंह से वो कपड़ा निकालते ही वो बास राहत की सांस लेता है। वो कोई मामूली बाज नहीं था बल्कि कालकेय की शक्तियों से बना हुआ एक बेहद ही शक्तिशाली बाज था जो कि वक्त आने पर किसी का भी रूप धारण कर सकता है। वो चाहे कोई प्राणी हो या फिर मानव, उसी के साथ उस बाज को इंसानों की हर एक भाषा समझ आती थी और वो बाज इंसानों की तरह बोल भी सकता है। अपने मुंह से वो रेड कलर का कपड़ा हटते ही वो बाज एक नजर उस कमरे में खड़े उन चारों पर नजर डालता है, फिर कालकेय की तरफ देखता है। वही कालकेय वो बाज क्या कहना चाहता है ये समझकर उसकी तरफ देखकर कहता है, तुम को जो भी बताना है तुम इन सब के सामने बोल सकते हो, ये हमारे ही आदमी है। कालकेय की बात सुनकर वो बाज कालकेय की तरफ देखकर कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए दो खबर है, एक तो अच्छी है और दूसरी बुरी, तो बताओ तुम कौन सी खबर तुम पहले सुनना चाहते हो। कालकेय बाज की तरफ देखकर बिना किसी भाव के उससे कहता है, पाही की बुरी ही खबर सुना दो, उसके बाद अच्छी वाली। वही कल्कि और उस बाज के बीच की बातचीत को बाकी के चारों भी सुन रहे थे। जॉन अपने पास खड़े विक्रांत के कान में कहता है, क्या बाज है ना हमारी तरह बात करता है, साथ में हमारी सारी बातें भी समझ सकता है। वैसे शक्तियां होने का बेहद फायदा है नहीं क्या। वही विक्रांत जॉन की बात सुनकर एक नजर उसकी तरफ देखता है और फिर सामने चल रही बाज और कल्कि की बातचीत सुनने लगता है। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसको जॉन के बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी और नहीं वो उसकी बात का कोई जवाब देना जरूरी समझता है। वही जॉन विक्रांत के रिएक्शन देखकर खुद से ही कहता है, मैं भी किससे बात कर रहा हूँ, ये विक्रांत मुझे कुछ दिनों से काफी मिस्टीरियस नजर आ रहा है, उसने कुछ तो अलग है जॉन पता लगाना होगा आखिर बात क्या है। इतना कहकर जॉन एक नजर विक्रांत को देखता है जो कि सामने बाज और कालकेय की तरफ देख रहा था, तो जॉन भी सामने देखकर बाज की बातें सुनने लगता है। बाज कालकेय के कहे अनुसार कालकेय को पहली बुरी खबर सुनाता है, महागुरु की किसी ने बड़ी ही बेरहमी से मार डाला। बाज की बात सुनकर कालकेय को बड़ा शोक लगता है। वो बाज की तरफ देखकर कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, महागुरु को कोई कैसे मार सकता है, तुम तो अच्छे तरह से जानते हो ना उनके पास कितनी शक्तियां हैं, तो कोई उनको कैसे मार सकता है। उसकी बात पर वो बास कहता है, तुम सही कह रहे हो पर पता नहीं कैसे महागुरु को किसने मार डाला है, वो अब हमारे बीच में नहीं रहे। बास की पूरी बात सुनने के बाद कालकेय अपनी आंखें बंद कर देता है और फिर खोलता है। इस वक्त उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं थे। वही उस रूम में मौजूद वो चार जन भी महागुरु की मौत की खबर सुनकर शोक में चले गए थे, पर उन चारों में से कोई एक था जिसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी जो कि उसने किसी के देखने से पहले ही छुपा ली थी। कालकेय बिना किसी इमोशन के बाज की तरफ देखकर कहता है, और दूसरी खबर क्या है। कालकेय के पूछने पर बाज कालकेय की तरफ देखकर कहता है, दूसरी खबर यानी कि जो कि एक अच्छी खबर है वो ये है कि उस शक्तिशाली हीरे की रक्षक को दूसरा द्वार मिल गया है, अब बेहद ही जल्द वो हीरा हम सबके सामने आ जाएगा। बाज की ये वाली बात सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान तैर गई। कालकेय बाज को कुछ इंस्ट्रक्शन देकर वहां से भेज देता है। उसके बाद अपने साथियों की तरफ देखकर कहता है, आप सबने सुन ही लिया होगा कि महागुरु हमारे बीच नहीं रहे, और दूसरी बात वो तेजस्वी हीरा जल्द ही हम सबके सामने होगा, इसलिए अब हम ये पर ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते, कब क्या हो जाए इसका कुछ पता नहीं, इसलिए हम सबको निकलना होगा। हम किसी साय की तरह उस रक्षक के पीछे रहेंगे, उसको पता नहीं चला चाहिए कि हम उसके पीछे हैं, इसलिए सबको ये अपने ऊपर छिड़कना होगा।
सबकी नजर कालकेय के हाथ में रखी पांच छोटी सी सीसियों पर पड़ जाती है जिसमें कुछ पानी जैसा द्रव्य था। जॉन उस सीसी को देखकर कालकेय से कहता है, ये क्या है और इसको अपने ऊपर क्या छिड़कना है, उससे क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। उसकी बात सुनकर कालकेय उसकी तरफ देखकर बिना किसी भाव से कहता है, ये एक ऐसा जेल है जिसको अपने ऊपर छिड़कने से इस रक्षक को हमारे उसके आसपास होने की भनक नहीं लगेगी, जिससे हम बिना किसी मुश्किल के आसानी से उस रक्षक का पीछा कर सकते गई और अंत में हमको जो चाहिए उसे हासिल कर सकते हैं। कालकेय की बात सुनकर सब बिना कोई और सवाल किए उस सीसी को लेकर अपने ऊपर छिड़क देते हैं और अगले ही सेकंड वो सब वहां से गायब हो जाते हैं। वही दूसरी तरफ एक बड़े से विला के अंदर एक आदमी आराम से सो रहा था, तभी अचानक उसके मोबाइल पर रेड लाइट ब्लिंक करने लगती है और उसका फोन वाइब्रेट जोन लगता है। ऐसा ही सेम उसने जो वॉच पहनी थी उसमें भी हो रहा था, जिस उस आदमी की नींद खुल जाती है और वो अपने वॉच और मोबाइल पर ब्लिंक हो रही रेड लाइट को देखता है तो उसके चेहरे पर परेशानी की लेकर आ जाती है, जिसे वो जल्द ही छुपा लेता है। बेड से उठकर वो आदमी कपड़े चेंज करके अपना फोन लेकर उस विला से बाहर निकलकर विला के बाहर खड़ी अपनी कार में बैठ जाता है और कहीं चला जाता है। दूसरी तरफ हिंदी महासागर के बीचों बीच आलीशान से क्रूज के अंदर बने एक बेहद ही लग्जरियस रूम के अंदर बैठा एक आदमी अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, तभी उसके फोन में और वॉच में भी सेम वैसे ही रेड लाइट ब्लिंक होने लगती है, जिसे देखकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वो आदमी उस ब्लिंक हो रही रेड लाइट को ऑफ करके जल्दी से अपना सामान पैक करके किसी को फोन करके कहता है, विवेक चोपड़ा रेडी करो, हम अभी मुंबई की तरफ निकल रहे हैं, वो मुसीबत में है, हूँ किसी भी तरह उसको बचाना होगा, नहीं तो हम किसी बेहद बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, वो ही इकलौती शख्स है जो हमारे सारे गैरकानूनी काम संभलती है, अगर उसको कुछ हो गया तो हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे, वो नहीं तो हम भी नहीं। दूसरी तरफ से विवेक कहता है, तुम क्रूज की छत पर आ जाओ, चोपड़ा रेडी मिलेगा। आदमी कहता है, ओके मैं बस आ रहा हूँ। इतना कहकर वो आदमी जल्दी से अपने लग्जरियस रूम से निकलकर क्रूज की छत की तरफ चला जाता है, जहाँ पर चोपा पहले से ही रेडी था। विवेक और वो आदमी दोनों चोपा में बैठ जाते हैं और उनके बैठने के बाद चोपा अपनी उड़ान मुंबई की तरफ बढ़ा देता है। वही दूसरी तरफ मुंबई में ही एक बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर, जो की एक 5-स्टार होटल था, उसके एक VIP कमरे में एक इंसान अपने कंप्यूटर के सामने बैठा था और इस वक्त उसकी उंगलियां बेहद ही तेजी के साथ कंप्यूटर पर चल रही थी और कुछ ही समय बाद उसके कंप्यूटर की स्क्रीन पर 5 अलग अलग इंसानों की लोकेशन थी। और खास बात तो ये थी कि वो पांचों लोग इस वक्त अपने अपने लोकेशन से एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे। वो पांचों कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि ये लोग वो थे जिनको इंडियन पुलिस ढूंढ रही थी। इन पांचों के नाम पर कई केस दर्ज थे। ये कोई मामूली गुंडे नहीं थे, बल्कि ये अंडरवर्ल्ड के बेहद ही मंजे हुए खिलाड़ी थे, जिनका हाथ इंडिया में होने वाली हर एक गैरकानूनी कामकाज में होता था। वही वो शख्स जो उन पांचों पर नजर रख रहा था, वो जब उन पांचों को अपने बिल से निकलकर एक जगह पर जाते देख उसके चेहरे पर मिस्टीरियस स्माइल आ जाती है, वो अपना फोन निकलकर किसी को कॉल करता है और कहता है, वेल डन मेरे भाई, तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा है, चूहे अपने बिल से निकल चुके हैं, जल्द ही वो वहां पर होंगे जहां पर हम लोग उनको लाना चाहते हैं। और हाँ, अब तक जो सब प्लान के मुताबिक हो रहा है, आगे भी वैसा ही होगा, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, मैंने तुम जहां पर हो वहां की सिक्योरिटी बढ़ा दी है, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कॉल कर देना। इतना कहकर वो बिना दूसरी तरफ की कोई बातें सुने कॉल कट कर देता है। वही दूसरी तरफ को शख्स था, वो कॉल कट होने पर फोन कान से हटाकर अपने सामने करके कहता है, इसका हर बार का यही है, अपनी सारी बातें कह देता है पर मेरी कोई भी बात नहीं सुनता, एक बार तुम सामने आ जाओ फिर तुमको बताता हूँ। इतना कहकर वो शख्स भी जैसा उन लोगों का प्लान था उस पर काम करने लगता है।
वही दूसरी तरफ अयाना और उसके साथियों ने आखिरी द्वार को पार कर लिया था और अब उनके पास बस 5 डेज का ही टाइम बचा था। इस बचे हुए टाइम में उनको उस महाशक्तिशाली तेजस्वी हीरे के पास पहुंचाना था। अयाना, अयान और बाकी सब तेजी से आगे बढ़ रहे थे, साथ में उनके हाथ में वो मैप भी था जिसके सहारे वो सब आगे बढ़ रहे थे। अयाना और अयान आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उनके सामने से एक कला साया गुजरता है जिससे वो सब अपने जगह पर रुक जाते हैं। अयाना अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस साय को अपने सामने आने पर मजबूर कर देती है। वो साया अयाना के सामने खड़ा था। वो साया सर से लेकर पांव तक पूरा काले लिबास में था, उसका चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहा था, पर अयाना ने अपने शक्तियों से अपने सामने खड़े इंसान के बारे में पता लगाया था। इस वक्त अयाना के सामने अपने सामने खड़े इंसान की पूरी जन्म कुंडली थी। अयाना उस साय को कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसको अपने आसपास और भी किसी के होने का एहसास होता है, जिसे महसूस कर वो सबको अलर्ट रहने का इशारा करती है और अपने सामने खड़े साय के ठीक एक कदम की दूरी पर जाकर खड़ी हो जाती है और उस साय की काली आंखें दिख रही थी उसमें देखकर कहती है, तुम ये पर क्या कर रहे हो? मैंने तुमको माना किया था ना कि तुम हमारे पीछे नहीं आएंगे। तुमको एक बार में बात समझ में नहीं आती कि और कौन कौन ये पर तुम्हारे साथ आया है? उसकी बात सुनकर सामने वाला साया अपनी आंखों को गोल गोल घुमाते हुए कुछ कहने को हुआ ही था कि कोई पीछे से उस पर हमला करने ही वाला था कि अयाना इस साय को अपने पीछे करके सामने वाले ईशान के पैठ में लात मार देती है, जिसे वो इंसान जमीन पर गिर जाता है और खुद का वार खाली जाते देखकर उस शख्स की आंखें लाल हो जाती है। वो गुस्से में अपने हाथ की जमीन पर मारते हुए अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और अपने हाथ में चाकू लेकर अयाना पर वार करने के लिए आगे बढ़ता है। वही अयान और बाकी सब भी अलर्ट हो गए थे। सभी ने अपने हाथ में अपने आपने हथियार पकड़ लिए थे और सब आने वाले लड़ाई के लिए तैयार थे। वो शख्स अयाना पर वार करने के लिए उसकी तरफ बढ़ ही रहा था, जिसे देखकर अयान अयाना के पीछे से आगे आकर उस शख्स के वार करने से पहले ही वो उस पर वार कर देता है, जिससे उन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होने लगती है। वही उस शख्स के साथी जो वही छुपे हुए थे, वो लोग जब अपने साथी को मार खाते हुए देखते हैं तो वो अभी बाकी सब पर हमला करते हैं। बाकी सब इसलिए पहले ही तैयार थे, इसलिए वो आसानी से उन सब से लड़ रहे थे। वही उस काले साया को अनाया कुछ देर पहले डांट रही थी, वो बाकी सबको फाइट करते हुए एक जगह पर खड़े जोर देख रहा था। इस वक्त उसके फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वो साया बाकी सबको फाइट करके देख रहा था और साथ में अपने हाथ भी मल रहा था। वो खुद से ही कहता है, बेहद दिन हो गए हैं, दिन क्या बेहद साल हो गए हैं, किसी पर अपना हाथ साफ नहीं किया, इसलिए अब अपने सामने हो रही लड़ाई देखकर हाथ में कुछ ज्यादा ही खुजली हो रही है। अब लगता है बहती गंगा में हाथ धोने पड़ेंगे, फिर बाद में जो हो जाए वो देखा जाएगा। तभी उस साय को और भी कुछ लोग छुपे हुए दिखते हैं और वो सब बाकी सब पर हमला करने ही वाले थे कि तभी वो साया अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाता है। उसके हाथों में अजीब सा ही छोटे छोटे ताज के पत्ते आते हैं और पलक झपकते हो उसका अपना हाथ को फिरते हुए ही वो सभी पाते उन छुपे हुए लोगों के गले को काटते हुए फर्ज उसके हाथ में आ जाते हैं। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। वो सभी छुपे हुए लोग कटी पतंग की तरह नीचे गिर जाते हैं। तो आगे क्या होने वाला है, आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर शेयर करें। सो अभी कहानी जारी रहेगी, सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट। इस कहानी में हमने अब तक देखा कि इस वक्त उसके फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वो साया बाकी सबको फाइट करके देख रहा था और साथ में अपने हाथ भी मल रहा था। वो खुद से ही कहता है, बेहद दिन हो गए हैं, दिन क्या बेहद साल हो गए हैं, किसी पर अपना हाथ साफ नहीं किया, इसलिए अब अपने सामने हो रही लड़ाई देखकर हाथ में कुछ ज्यादा ही खुजली हो रही है। अब लगता है बहती गंगा में हाथ धोने पड़ेंगे, फिर बाद में जो हो जाए वो देखा जाएगा।
तभी उस साए को और भी कुछ लोग छुपे हुए दिखते हैं और वो सब बाकी सब पर हमला करने ही वाले थे कि तभी वो साया अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाता है। उसके हाथों में अजीब सा ही छोटे छोटे ताज के पत्ते आते हैं और पलक झपकते हो उसका अपना हाथ को फिरते हुए ही वो सभी पाते उन छुपे हुए लोगों के गले को काटते हुए फर्ज उसके हाथ में आ जाते हैं। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। वो सभी छुपे हुए लोग कटी पतंग की तरह नीचे गिर जाते हैं। अब आगे देवांश का ध्यान जब छुपे हुए लोगों पर जाता है और वो उनको हमला करते देखता है तो एक पल के लिए तो हो डर जाता है, पर अगले ही पल उन सबको जमीन पर गिरते देखकर वो शोक हो जाता है। वो अपने सामने उस पर हमला कर रहे आदमी के पेट में अपनी तलवार आर पार कर देता है जिससे वो आदमी वहीं पर ढेर हो जाता है। देवांश की नजर कुछ दूरी पर खड़े काले साए पर जाती है और उसके हाथों में रक्त से सने हुए ताज के पत्तों पर, जिसे देखकर उसको सब समझ आता है कि उन छुपे हुए लोगों को किसने मारा है। पर अगले ही पल उसके दिमाग कुछ क्लिक होता है और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक दिखने लगती है। वो अपनी आंखें में चमक लिए अपने से कुछ दूरी पर खड़े उसी काले साए को देख रहा था, तभी पीछे से कोई देवांश पर हमले करने वाला होता है। जिस बात का एहसास देवांश को नहीं होता, वो तो अपने सामने खड़े उस काले साए को ही देखने में बिजी था। इस काले साए को जब अपने ऊपर किसी की नजरों का एहसास होता है तो वो उस तरफ देखता है, तो उसको देवांश अपनी तरफ देखता हुआ दिखता है। तभी उसकी नजर उसके ऊपर पीछे से हमला करने वाले शख्स पर जाती है, जिसे देखकर वो अपने हाथ में मौजूद ताज का पता बड़े ही सफाई के साथ उसकी तरफ फेंक देता है। वही देवांश जब उस साए को अपनी तरफ देखता पता है तो उसके होठों पर हल्की सी स्माइल आ जाती है, पर अगले ही पल उस साए को खुद के ऊपर वो ताज का पता, जो कि किसी खतरनाक वेपन से कम नहीं था, उससे अपने ऊपर हमला करते देखकर उसके होठों की स्माइल पल भर में गायब जो जाती है। वो उस ताज के पते के हमले से बचने के लिए नीचे झुक जाता है। उसके नीचे झुकते ही वो तक का पता अपना काम कर देता है। देवांश के ऊपर जो शख्स पीछे से हमला करने वाला था, उसके गले में कट लगाकर वो ताज का पता फिर से उस काले साए के हाथ में आ जाता है और हमला करने वाला शख्स नीचे गिर जाता है। उसके नीचे गिरने से जो आवाज हुई थी उससे देवांश का ध्यान उसकी तरफ जाता है, जिसे देखकर वो एक बार फिर अपनी आंखें बड़ी करके उस काले साए की तरफ देखता है, जो कि उसकी तरफ ही देख रहा था। अब देवांश को सारी बातें क्लियर हो गई थी। उस साए ने उसके ऊपर नहीं बल्कि उसके ऊपर हमला करने वाले पर हमला किया था। वही दूसरी तरफ अयाना और अयान ने अपने सामने को भी आदमी अनवर हमला कर रहे थे, सबको मार दिया था। अब उनके आसपास सिर्फ और सिर्फ लाशें ही दिखाई दे रही थी। अयाना और अयान दोनों ही सर से लेकर पांव तक खून से नहाए हुए थे। यही कुछ हाल मुस्कान, देवांश और बाकी चार लोगों का था। सबको हल्की फुल्की चोटें भी आ गई थी। अयाना एक बार अपने आसपास देखती है और फिर अयान की तरफ देखकर कहती है, आयु हमारा ये पर अब रुकना सेफ नहीं है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से किसी सुरक्षित जगह पर पहुँचना होगा। अयाना अयान की बात की गंभीरता को समझकर वो सबकी तरफ देखकर कहता है, गाइस जल्दी करो, हमारा ये पर रुकना सेफ नहीं है, हमको जल्द से किसी सेफ जगह पर जाना होगा। सभी हाँ मैं सर हिलाकर अयाना और अयान के पीछे जाने लगते। वही वो काला साया जब सबको खुद को इग्नोर करके आगे बढ़ता हुआ देखता है तो उसका मुंह बन जाता है। वो खुद से ही कहता है, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं, मुझे भूलकर सब आगे बढ़ रहे हैं। उसने इतना ही कहा था कि उसके कानों में अयाना की आवाज आती है, क्योंकि उससे ही कह रही थी, अब तुमको अलग से कहना होगा क्या, पहले तो मेरे मना करने के बाद भी यह पर आए हो, अब चलो ये जग सेफ नहीं है, इनके साथ ही आते ही होगे। अयाना की कड़क आवाज अपने कान में पड़ते ही वो सता भागकर अयाना के पास आकर उसका हाथ पकड़कर उसके साथ चलने लगता है। वही उस साए को ये करते देखकर अयान, जो अयाना के साथ ही चल रहा था, उसकी आंखें छोटी होने लगती है। वो अयाना का दूसरा हाथ अपने हाथ में पकड़ लेता है।
वही दूसरी तरफ शहर के बाहर दो मंजिला छोटे से घर में जहां पर आरुषि को कैद करके रखा गया था, उस घर के बाहर और उसके आसपास के 1000 मीटर के एरिया में वेल ट्रेन्ड गार्ड पहरा दे रहे थे। उन सबके हाथ में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बने हुए हाई टेक वेपन्स थे। वही उस घर के अंदर सेकंड फ्लोर पर आरुषि राजावत बड़े ही आराम से सोफे पर बैठकर अपने सामने टेबल पर रखा खाना खा रही थी। उसके चेहरे पर आज अलग सी ही चमक थी, शायद इस कैद से आजाद होने की, पर क्या पता वो इस कैद से आजाद होगी या खुद के आदमियों को ही बेहद बड़े खतरे डालने वाली थी। आरुषि अपना खाना खाकर उस रूम के खिड़की के पास खड़ी हो जाती है और बाहर देखने लगती है। उस रूम की खिड़की से बेहद ही सुंदर गार्डन का नजारा दिखाई देता था। उस गार्डन में बेहद ही खूबसूरत पौधे लगाए थे जिनमें फूलों के भी पौधे थे, और उसी गार्डन में बने सीटिंग एरिया में अरब बैठकर अपनी कॉफी एंजॉय कर रहा था। इस वक्त वो बेहद ही हैंडसम लग रहा था। अरब ने सिप्लेसी ब्लैक जीन्स और व्हाइट शर्ट पहना था, उसमें भी वो कतई जहर लग रहा था। वही आरुषि की नजर तो अरब के हैंडसम से चेहरे पर टिक सी गई थी। वो बड़े ही प्यार से अरब को निहारे जा रही थी और अरब को देखते हुए कहती है, पता नहीं तुम में ऐसा क्या है जो मेरा दिल तुम पर आता है जब तुम मेरे सामने होते हो, या तुम्हारे सिर्फ जिक्र से ही मेरी धड़कने आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। पता नहीं तुमने ये कौन सा जादू किया है मुझ पर। वैसे देखा जाए तो मैंने बेहद सारे हैंडसम लड़कों को देखा है, पर कभी भी उनको देखकर ये एहसास नहीं हुआ जो तुमको देखकर हो रहा है। तुम मेरे से कितनी भी नफरत कर लो, मुझे तुम्हारी नफरत भी कबूल है। तुम जैसे भी हो, अब से सिर्फ मेरे हो। तुम्हारे प्यार पर, तुम्हारी नफरत पर और तुम पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ और सिर्फ आरुषि राजावत का। बस एक बार मैं इस कैद से आजाद हो जाऊं, उसके बाद देखना तुम खुद सामने से मेरे पास आओगे। इस वक्त आरुषि की आंखें में एक अलग ही जुनून और पागलपन दिखाई दे रहा था जो आने वाले वक्त में क्या दम को करने वाला है वो आने वाला वक्त ही बताएगा। वही अरब को किसी की नजरों की तपिश खुद पर महसूस हो रही थी, जिसे महसूस करके उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। उसे अच्छे से पता था कि ये कोई और नहीं बल्कि आरुषि राजावत ही है, और यही तो वो चाहता था। वो आरुषि को खुद के लिए पूरा पागल बनाना चाहता था, जिससे उसको उसके अलावा कुछ दिखाई ही नहीं दे, जिससे वो उसको धीरे धीरे बर्बाद कर देगा, जैसे को वो और उसका बाप विक्रांत राजावत काली सबके साथ करते थे। वो भी ठीक वैसा ही आरुषि के साथ करने वाला था। अरब अपनी कॉफी एंजॉय करते करते किसी से फोन पर चैट भी कर रहा था। वो फोन पर एक मैसेज लिखकर दूसरी तरफ से कर देता है, काम हो गया है। उसने बस इतना ही टेक्स्ट किया होगा कि दूसरी तरफ से मैसेज आता है, वेरी गुड, जल्द ही हमारा मिशन एकॉम्प्लिश होगा, ध्यान रखना उस पर। और उसके वो चूजे अपने बिल से निकलकर उसकी तरफ ही आ रहे हैं, सो बी केयरफुल। अरब दूसरी तरफ से आया हुआ टेक्स्ट मैसेज पढ़कर उसको टेक्स्ट करता है, डोंट वरी भाई, सब हमारे प्लान के मुताबिक ही होगा। इस बार हम अपने मिशन में जरूर कामयाब होंगे। इस बार इन सके वजह से किसी मासूम के सर से परिवार का साया नहीं छूटेगा और नहीं किसी मासूम की जान इन दरिंदों की वजह से जाएगी, आप बेखबर रहिए। दूसरी तरफ से रिप्ले आता है, ऑल द बेस्ट, हम सबको तुम पर पूरा विश्वास है, तुम अपने हर एक मिशन की तरह इस मिशन में भी जीत कर ही आओगे। थोड़ी देर मैसेज पर बात करने के बाद अरब गार्डन से अपने कमरे में चला जाता है। वही आरुषि ने अपनी जिन आदमियों को अपनी लोकेशन भेज के वो खतरे में है ये सिग्नल भेज था। वो पांच लोग इस वक्त मुंबई में ही एक फाइव स्टार होटल के एक कमरे में बैठे थे। सबके चेहरे और परेशानी साफ दिखी जा सकती थी। उन पांच लोगों के सामने लैपटॉप पड़े थे और उसमें वो पांच लोग कुछ कर रहे थे। उन सबकी उंगलियां अपने सामने रखे हुए लैपटॉप के कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थी। उन पांच लोगों में से एक अपने लैपटॉप की तरफ एक तक देख रहा था। वो अपने बाकी साथियों की तरफ देखकर कहता है, तुम में से किसी को उसकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पाया चला। उसकी बात सुनकर बाकी के चारों बिना अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर से सोनी नजरें हटाए और बिना अपनी उंगलियों
की स्पीड कम करें। उनमें से एक कहता है, नहीं लगता उस बार उसने किसी बड़े आदमी से पंगा लिया है जिससे हम अब तक ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा कहता है, बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, पर हमको जल्द ही उसकी लोकेशन ट्रेस करके उसको छुड़ाना होगा, क्योंकि आप सब तो अच्छे से जानते हो अगले महीने जो सबसे बड़ी डील होने वाली है वो हमारे लिए कितनी जरूरी है, और उस डील के लिए हमको उसकी जरूरत है, क्योंकि सामने वाली पार्टी ये डील सिर्फ उसके साथ ही करने वाली है, इसलिए हमको उसको किसी भी हाल में ढूंढना ही होगा। उसकी बात सुनकर तीसरा आदमी कहता है, हाँ बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, पर उस डील के बाद हम उसको अपने रास्ते से हटा देंगे, क्योंकि उस डील के बाद हमको उसकी कोई जरूरत नहीं होगी। उसकी बात सुनकर सब एक पल के लिए अपना काम रोककर उसकी तरफ देखते हैं। वो को सबकी नजर अपने तरफ पाता है तो अपनी एक आई ब्रोज ऊपर करके उनकी तरफ देखता है, तो सब उसकी तरफ देखकर डेविल स्माइल करते हैं और एक साथ ही कहते हैं, अरे यार आज तो तुमने बात बिल्कुल सही की है, हम भी सब यही सोच रहे थे, अब वो हमारे किसी काम की नहीं है। इतना कहकर वो पांचों जोर जोर से हंसने लगते हैं। अनाया, अयान और बाकी सब हमें वाले जगह से एक सुरक्षित जगह पर पिहाच गए थे, वो सब अभी एक गुफा के अंदर बैठे थे। सभी की नजर अनाया के पास बैठे हुए काले साय पर थी, वही वो साया अनाया के इस बैठकर फल खा रहा था। उसको जब किसी की नजर अपने ऊपर महसूस होती है तो वो अपना सर ऊपर कर उन सब की तरफ देखता है, तो उसके अयान से लेकर सभी उसकी तरफ एक तक देखते हुए दिखते हैं। उन सबको ऐसे अपनी तरफ देखता देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था वो सब उसको देख क्या गुर क्यों रहे थे। तभी उसकी नजरें सोने हाथ में पकड़े हुए सेब पर चली जाती है जिसे वो खा रहा था। वो एक नजर अपने हाथ में पकड़े उसके आधे खाए हुए सेब की तरफ देखता है और फिर अपने सामने बैठे सब की तरफ देखता है। वो सेब को अपने पीछे छुपते हुए कहता है, तुम सब ऐसे क्या देख रहे हो, मेरे खाने पर नजर मत लगाओ, मैं तुम लोगों के साथ शेयर नहीं करने वाला। इतना कहकर वो उन लोगों की तरफ पीट करके बैठ जाता है और अपने हाथ में पकड़े सेब का आनंद लेने लगता है। इस वक्त उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी जो कि वो खुद से ही कहता है, वाह मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, अब ये सब चाह कर भी मेरे खाने पर नजर नहीं लगाएंगे। वही बाकी सब जो उसका उनकी तरफ पीट करके बैठना और फिर अभी उसका खुद से बड़बड़ाना सुनकर एक दूसरे को तरफ देखते और अपना सर ना मैं हिला देते हैं। वही अयान को जब अब ये सब देखा नहीं जाता तो वो अयान की तरफ देखकर कहता है, आयु क्या तुम हमको बता सकती हो कि ये कौन है और ये तुमसे इतना चिपक क्या रहा है, और अभी तो देखो कैसे चौथे बच्चों की तरह हरकत कर रहा है, और अभी थोड़ी देर पहले उन सब से कैसे लड़ रहा था। अयाना अयान की बात सुनकर कहती है, आयु शांत हो जाओ, क्या तुमने सच में इसको पहचाना नहीं। अयाना की बात सुनकर अयान अपना सर ना में हिलाती है तो वो एक बार अयान की तरफ देखती है फिर बाकी सबकी तरफ। सब भी ये जानने के लिए बड़े एक्साइटेड थे कि आखिर ये शख्स कौन है। अयाना एक नजर उनकी तरफ देखती है फिर उनकी तरफ पीट करके बैठे उस काले साय की तरफ देखकर कहती है, अब तुम्हारा पेट भर गया होगा तो जरा तुम इन सबको भी अपने दर्शन करा दो, ये को तुम्हारे चेहरे मास्क लगाया है उसे हटा दो। उसकी बात सुनके वो साया बाकी सबकी तरफ पलट जाता है और एक बार अयाना को फिर बाकी सबको देखकर कहता है, वो तो तुम लोग मेरे खाने को नहीं गुर रहे थे बल्कि तुम लोग तो मुझे गुर कर देख रहे थे कि आखिर मैं हूँ कौन। कोई बात नहीं, चलो मैं तुम सबको अपना चेहरा दिखा ही देता हूँ, बस अपना दिल थाम कर बैठना। सब उसकी नौटंकी सुन रहे थे और साथ में उसकी तरफ देख रहे थे कि कब वो अपना नकाब हटाए और उसका चेहरा उनके सामने आ जाए। वही देवांश को कुछ अंदाजा हो गया था कि अपने सामने बैठा ये शख्स कौन है, उसकी असली पहचान क्या है, पर इसने अब तक इसका चेहरा नहीं देखा था। उसने तो क्या जितने भी शख्स इस काले साए वाले शख्स को जानते थे उनमें से किसी ने भी इसका चेहरा नहीं देखा, तो और अब उसको इस काले साया का असली चेहरा देखने को मिलने वाला था, इसलिए वो बेहद ही एक्साइटेड था।
जैसे ही काला साया अपना चेहरे पर लगाया हुआ मुखवटा निकलता है, वैसे सबके सामने उसका प्यारा और हैंडसम चेहरा आ जाता है। उसका चेहरा देखते ही वहां बैठे सबकी आंखें हैरनी से बड़ी हो जाती है। वही दूसरी तरफ फाइव स्टार होटल के कमरे के अंदर इस वक्त वो फाइव लोग बैठकर आपस में कुछ डिस्कस कर रहे थे। तभी उनमें से एक के फोन पर किसी का मैसेज आता है, जिससे सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। वो आदमी उन सकी तरफ एक नजर देखता है और फिर अपने फोन पर आया हुआ मैसेज चेक करता है। उसमें कुछ लिखा हुआ था और नीचे किसी को लोकेशन भेजी थी, जिसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अपने साथी के चेहरे पर आई मुस्कान को वहां बैठे सभी लोगों ने नोटिस कर लिया था। सब उसकी तरफ देख रहे थे। वही वो शख्स उन सबकी तरफ देखकर कहता है, खुशखबरी है, हमको उसके लोकेशन मिल गई है। उसने बस इतना ही कहा था, बाकी के चारों के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। कुछ देर वो सभी आगे क्या करना है, कैसे अपने मिशन को एक्सक्यूट करना है, उस पर डिस्कस करते हैं और फिर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वही दूसरी तरफ आरुषि को की सोने कमरे में बैठी थी, वो एक तक अपने सामने दीवार पर लगी घड़ी को तरफ देख रही थी। उसके लिए अब वक्त काटना मुश्किल होता जा रहा था। वो रूम में इधर उधर गुनते हुए कहती है, पता नहीं उन निकम्मे लोगों तक मेरा मैसेज पहुंच गया होगा कि नहीं, और अगर पहुंच भी गया है तो अब तक वो लोग मुझे ये से छुड़ाने के लिए आते क्या नहीं। बस एक बार मुझे ये से निकलने दो, फिर मैं उन सबको अच्छी तरह से देख लूंगी। विक्रांत राजावत, जो कि इस वक्त उस दूसरे द्वार के पास खड़ा था सोने साथियों के साथ, जिससे श्रेया ने अंदर एंटर कर लिया था, वो सब अपनी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस द्वार को खोलने का प्रयास कर रहे थे, पर हर बार वो सब नाकामयाब हो रहे थे। इसलिए सब परेशान हो गए थे और ऊपर से बाहर हो रही तेज बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि हर बीते वक्त के साथ बढ़ रही थी, जिसे अब उनका वहां रुकना दुश्वार हो गया था। कालकेय को अब गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उसने हर एक असंभव प्रयास करके देख लिया था इस द्वार को खोलने के लिए, पर ये खुल ही नहीं रहा था। तो वो अपने सामने के द्वार को एक तक अपनी लाल हो चुकी आंखों से देखते हुए खुद से ही कहता है, बस हो गया, अब मुझे अब अपनी सबसे बड़ी शक्ति का इस्तेमाल करना होगा, जिसका इस्तेमाल मैं बस जू ही बार कर सकता हूँ। अगर अभी मैंने ये द्वार खोलने के लिए इस शक्ति का इस्तेमाल किया तो मेरे पास बस अब वन ही मौका रहेगा उसका इस्तेमाल करने का। बात नहीं, अभी इस द्वार को खोलना मेरे लिए सबसे जरूरी है। ये कहकर कालकेय अपनी लाल आंखों को बंद करके अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ मंत्र उच्चारण करने लगता है। उसके मंत्र उच्चारण करने से बारिश की गति और तेज हो गई थी, साथ में तेज हवाएं चलने लगती है। अचानक बारिश की स्पीड बढ़ने से और तेज हवाएं चलने के कारण कालकेय के साथी एक पल के लिए तो घबरा जाते हैं, पर अगले ही आसमान में एक कड़कड़ाती आवाज के साथ एक तेज रोशनी से उनकी आंखें अपने आप बंद हो गई थी। उसकी कुछ ही सेकंड बाद सब शांत हो गया। बारिश रुक गई थी, तेज चल रही हवाएं भी अब शांत हो गई थी। विक्रांत और उसके साथी अपनी आंखें खोलते हैं तो सामने देखते हैं तो सब बिल्कुल शांत लगता है। ऐसा लग रहा था कि यह पर बारिश कभी हुई जी नहीं, और नहीं तेज हवाएं चल रही थी। सब अपने आसपास का वातावरण देखकर शोक में आ गए थे, पर जल्दी ही सभी कालकेय की आवाज से शोक से बाहर आते है। कालकेय उन सबकी तरफ देखकर कहता है, ज्यादा शोक होने की कोई जरूरत नहीं, अब चलो, द्वार खुल गया है, अब हमको अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। इतना कहकर कालकेय के साथ सभी उस द्वार के अंदर एंटर होते हैं। उनके वहां एंटर होते ही वो द्वार फिर से पहले जैसा हो जाता है। कालकेय और उसके साथी भी रक्षक यानी कि अनाया जिस दिशा में गई थी उस तरफ बढ़ रहे थे। वही अनाया और उसके साथी इस वक्त एक सुरक्षित स्थान यानी कि एक गुफा का अंदर थे। इस वक्त गुफा के अंदर सभी अपने सामने उस साय के चेहरे के नकाब हटने पर उसके असली चेहरे के देखकर शोक हो जाते हैं। अयान के मुंह से अनायास ही निकल जाता है, कुछ तुम ये पर क्या कर रहे हो, तुमको मना किया था ना
ये पर आने से बाकी सबका ख्याल कौन रखेगा? तुम जानते हो ना, दुश्मन अभी भी खुले हम रहे है, जिससे हम सभी अभी भी अनजान है। कुश जब खुद को अयान को डांटता हुआ पता है तो वो अयान के पास जाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, चील ब्रो वहां पर लव है। और जब सबको पता चला कि अनु महाशक्तिशाली हीरे को सुरक्षित करने के लिए यहां पर आई है तो दादू ने मुझे ये पर भेज दिया। अयान उसकी बात सुनकर कुछ नहीं कहता। कुश अयान के पास आकर उसके हाथ में एक रेड कलर का रुमाल देता है और कहता है, प्रिंसेस ये दादू ने दिया है और साथ में उनने ये भी कहा है कि ये तुमको अपने मंजिल तक पहुंचने में मदद करेगा। अयाना अपनी बड़े भाई कुश की बात सुनकर वो अपने हाथ में जो रेड कलर का रुमाल था उसे एक नजर देखती गई, फिर उसको अपने पॉकेट में रख देती है। कुश अयान से बात कर सबकी तरफ देखकर कहता है, तो अब तुम सबको मेरे बारे में पता चल ही गया कि मैं कौन हूँ, या अब भी कोई क्वेश्चन है तो मैं आप सबको बता देता हूँ कि मैं अयाना मित्तल का बड़ा भाई कुश मित्तल हूँ। उसकी बात सुनकर सब उससे कुछ नहीं कहते। वही कुश अयाना और अयान की तरफ देखकर कहता है, अब हमारा ये पर ज्यादा देर रुकना सेफ नहीं है। दादू ने कहा था जब तक हम लोग उस शक्तिशाली हीरे के पास न पहुंच जाए तब तक हमको एक जगह पर ज्यादा देर तक नहीं रुकना है, क्योंकि ये जग जितनी सुंदर है उतनी ही खतरनाक भी है। हमको ये से जल्द ही मिलना होगा। कुश की बात सुनकर अयान एक दूसरे की तरफ देखते हैं, क्योंकि उनको कुश की बात सही लग रही थी। अयाना सबकी तरफ देखकर कहती हैं, अब जबकि सबने थोड़ी देर आराम कर लिया है और खाना भी खा लिया गई तो अब हम को आगे चलना चाहिए। हमारे पास समय बेहद ही कमाई, अब बस 5 दिन बचे हैं महाशक्तिशाली हीरे को भूगर्भ से बाहर आने के लिए। उसकी बात सुनकर सभी अपनी अपनी बैग अपने पीठ पर टांग कर उस गुफा से बाहर निकलते हैं। अयाना अयान और कुश तीनों आगे चल रहे थे और बाकी सब उनके पीछे। इसे ही अपने हाथ में पकड़े हुए मैप के सहारे वो लोग आगे बढ़ रहे थे। 5 दिन बाद आज वो दिन भी आ गया था जिस दिन महाशक्तिशाली हीरा अपने असली अवतार में इस धरती पर प्रकट होने वाला था। आज अमावस्या थी, आज के दिन काली शक्तियां अपने चरम पर होती थीं। अयाना अयान और बाकी सभी उस जगह पर पहुंच चुके थे जहां पर वो महाशक्तिशाली हीरा प्रकट होने वाला था, जिसमें ब्रह्मांड की आधी शक्ति सम्मिलित थी और वो शान भी आ गया जिसको अपनी आंखें से देखने का सौभाग्य वहां मौजूद संकी मिला गया था। धीरे धीरे महाशक्तिशाली हीरा भूगर्भ से ऊपर आ रहा था, उसी के साथ वहां पर उसकी रोशनी फैल रही थी जिससे सबकी आंखें उस रोशनी की वेजेस अपने आप बंद जो गई थी। थोड़ी ही देर में वो महाशक्तिशाली हीरा अपने पूर्ण रूप में प्रकट हो गया था। अयाना और बाकी सब अपनी आंखें खोलकर सामने दिख रहे उस हीरे को देख रहे थे। अयाना आगे बढ़कर उस हीरे को प्रणाम करके उस हीरे को अपने दोनों हाथों में बेहद ही सावधानी से अपने हाथ में के लेती है और अपने माथे पर टच करके कुछ मंत्र कहती है। उसी के साथ वो महाशक्तिशाली हीरा अयाना के माथे के बीचों बीच समा जाता है। वही अयाना जिस हीरे को अपने हाथ में लेती है, उस हीरे से आती रोशनी से वहां मौजूद सभी की आंखें फिर से बंद हो जाती है। किसी को भी अपने सामने का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वही उस तेजस्वी महाशक्तिशाली हीरे की रोशनी आसपास के वातावरण में फैल जाती है, जिससे कालकेय और उसके साथी जो कि अपना रास्ता भटक गए थे, जब उनकी नजर उस रोशनी और पड़ जाती है तो उन सबके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है। कालकेय उस रोशनी की तरफ देखकर कहता है, मेरा बरसों पुराना इंतजार आज खत्म होने वाला है। बेहद जल्द मुझे वो मिलना वाला है जिसके लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। जल्द ही मैं उस हीरे को हासिल कर लूंगा। इस वक्त कालकेय के चेहरे पर एक बेहद ही बड़ी मुस्कान थी। वही बाकी सबके मन में भी कुछ न कुछ चल रहा था। वही उन सबसे अलग विक्रांत एक नजर या रोशनी की तरफ देखता है और फिर अपने साथियों की तरफ देखता है। गिर खुद से ही कहता है, हो जाओ, तुम सबको जितना खुश होना है हो जाओ। जब हम सब इस महाशक्ति शक्ति हीरे को हासिल कर लेंगे और उस रक्षक के साथ उसके पूरे परिवार और उसकी मदद करने वालों को मौत के घाट उतार देंगे, उसके
बाद तुम सबका भी उसी की तरह हाल होगा क्योंकि विक्रांत अकेले ही उस हीरे को हासिल करना चाहता है और उस पूरी दुनिया को अपने मुट्ठी में करना चाहता है। वैसे भी अब तक मैंने बेहद सुन लिया तुम सबका, पर अब नहीं, बस एक बार वो हीरा मेरे हाथ में आ जाए फिर तुम सबको इस विक्रांत राजावत का असली चेहरा देखने को मिलेगा, जिसको देखने के बाद तुम सबको एक बेहद बड़ा जाता लगने लगा है। इतना कहके विक्रांत अजीब तरफ से मुस्कराने लगा। कालकेया और उसके साथियों अपने सामने दिखाई दे रही उस रोशनी को देखकर बेहद खुश थे। उन सबकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो सभी तेजी से उस रोशनी का पीछा करने लगते हैं जो कि धीरे धीरे कम हो रही थी, और वो लोग अच्छे से जानते थे अगर एक बार वो रोशनी उनके आंखों से ओझल हुई तो ब्लॉक फिर उसे नहीं ढूंढ पाएंगे, इसलिए सभी तेजी से उस रोशनी का पिछला कर रहे थे और उस रोशनी के लुप्त होने से पहले ही वो सभी उस तक पहुंच गए थे। कलकेया, विक्रांत राजावत, जॉन काली और महेश मेहरा आसानी से अपने सामने रक्षक को अपने हाथ में पकड़े उस हीरे को माथे पर लगाते हुए देख सकते थे, जिसे देखकर उनकी आंखें चमकने लगी थी। अब उनको जैसे भी करके उस हीरे को हासिल करना था। काली के नजर जैसे ही रक्षक के हाथ में पकड़े उस हीरे पर जाती है तो वो एक मोहपाश में बन जाता है और उसके नजलत उसके कदम उस हीरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। किसका भी ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता। काली बड़े ही आसानी से अनाया से दो कदम की दूरी तक पहुंच गया था। वक्त यान कुछ देवांश मुस्कान के साथ सभी की आंखें बंद थी, जिससे उनने काली को अयाना की तरफ बढ़ते हुए नहीं देखा था। वही अयाना अपनी आंखें बंद कर हुए थी। पे जल्द ही उसको अपने पास नकारात्मक शक्ति का एहसास होता है, जिससे उसकी आंखें खुल जाती है तो उसकी अंजीर अपने हाथों में रखे उस दिव्य हीरे पर जाती है, जिसे देखकर उसके चेहरे पर मिस्टीरियस स्माइल आ जाती है। अयाना पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पीछे ठीक 2 कदम की दूरी पर काली खड़ा था और उसकी आंखों में अलग ही चमक थी। वो एक तक अयाना के हाथ में मौजूद उस दिव्य महाशक्तिशाली हीरे को देख रहा था, जिसमें पूरे ब्रह्मांड की आधी शक्तियां सम्मिलित थी। अयाना काली को नजर देखती है और उसकी आज का पीछा करती है तो उसे एक तक अपने हाथ में मौजूद उस दिव्य हीरे को देखते हुए देखकर अयाना के होठों पर डेविल स्माइल आ जाती है, जिसे किसी के नजर में आने से पहले वो बड़ी ही आसानी से छुपा लेती है। अयाना ने काली से ही कुछ दूरी पर खड़े कालकेय, विक्रांत राजावत और उसके साथ उनके और 2 साथियों को भी देख लिया था। वही काली अपने मुंह में अपना हाथ आगे बढ़ाकर इस हीरे को हाथ लगाने ही वाला था कि अचानक वो एक झटके के साथ दूर जाकर गिरता है। उसने जो हाथ उस दिव्य हीरे को हाथ लगाने के लिए बढ़ाया था वो जल गया था। काली की एक दर्दनाक चीख से सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। वही अयान और कुश जल्द ही अपनी हरकत में आ जाते हैं। उनकी नजर पहले अयाना पर जाती है, जिसको सही सलामत देख कर दोनों चैन की सांस लेते हैं। उसके बाद उनसे कुछ दूर गिरे हुए काली की तरफ देखते हैं, जो कि अपना हाथ पकड़े हुए दर्द से चीख रहा था। अयान और कुश जल्द से अयाना के साथ खड़े हो जाते हैं। वही मुस्कान, देवांश और बाकी के 4 गार्ड भी अयान के आसपास उसको प्रोटेक्ट करने के लिए खड़े हो जाते हैं। वही कालकेय और बाकी सबका ध्यान काली की चीख से उसकी तरफ चला जाता है। वो सब जब उसको दर्द में तड़पते और चीखते देखते हैं तो वो उसके पास जाकर उसको खड़े होने में मदद करते हैं। वही कालकेय अपनी शक्तियों से काली के जले हुए हाथ को फर्ज पहले जैसा कर देता है, जिस अब काली दर्द से मुक्त हो जाता था। पर अभी जो दर्द उसने 5 मिनट पहले सहा था वो उसके लिए किसी मौत से कम नहीं था। उसने अभी तो उस दिव्य हीरे को चूहा ही नहीं था, तभी उसका ये हाल था। अगर उसने उसको चूहा होता तो उसका क्या हाल होता, ये सोचकर ही काली की रूह को जाती है। हो घबराते हुए अयाना के हाथ में पकड़े उस तेजस्वी हीरे को देख रहा था। वही विक्रम और बाकी सब अपने सामने खड़े अयाना आयार उसके साथियों की तरफ देखते हैं। अयाना उन सब की तरफ देख कर कहती है, तुम सब ये पर क्या कर रहे हो? उसकी बात सुनकर कलकेय हंसते हुए कहता है, तुमको नहीं पता हम सब ये पर किस लिए आए हैं।
उसकी बात सुनकर अयाना उसकी तरफ देखते हुए अपने कोल्ड चेहरे के साथ कहती है, पता है वो सब तुम लोगों की। गांधी, आंखें देखने भर से ही पता चल जाता है, पर मैं तुम लोगों को चेतावनी दे रही हूँ, मेरे रास्ते मत आने और अपनी ये गंदी नजरें इस दिव्य तेजस्वी हीरे से दूर ही रखना, क्योंकि तुम लोग जिस मकसद से यह पर आए हो वो कभी पूरा नहीं हो सकता। उसकी बात सुनकर कालकेय के साथ बाकी चारों को भी गुस्सा आ जाता। हंसी, कालकेय अपनी गुस्से लाल हुई आंखों से अयाना की तरफ देखते हुए कहता है, कैसा पूरा नहीं होगा, हमारा मकसद पूरे 1000 सालों से उस पल का इंतजार किया है, अब चाहे इस हीरे को पाने के लिए कुछ भी करना पड़े, पर इस बार ये हीरा मैं पाकर ही रहूंगा। उसकी बात सुनकर अयाना उसकी तरफ देखकर कहती है, अभी तो तुम्हारे साथी ने इस दिव्य हीरे को चूहा भी नहीं, पर उसकी क्या हालत हो गई है ये तो तुम लोगों ने अच्छे से देख भी लिया है, तो अब इस हीरे को हासिल करने के सपने छोड़ दो। उसकी बात सुनकर कालकेय उसकी बात का जवाब देने ही वाला था कि अचानक उनके सामने सफेद धुआं फैलने लगता है, जिससे सामने का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, और उसी का फायदा उठाकर अयाना और उसके साथी वहां से गायब हो जाते हैं। वही अपने सामने फैल रहे इस दिए को देख कालकेय और उसकी साथियों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, आखिर ये हो क्या रहा है। कुछ ही सेकंड बाद वो दुआ गायब हो जाता है और अब उनको अपने समवे का सब कुछ दिखाई देता है। जब उनको अपने सामने अयाना और उसके साथी नहीं दिखते तो कालकेय बौखला जाता है, यही हाल बाकी सबका भी था। कालकेय गुस्से में कहता है, धोखा धोखा, ये तुम ठीक नहीं किया, इसका खामियाजा तुमको चूकना पड़ेगा, बस एक बार वो दिव्य तेजस्वी हीरा मेरे हाथ में आ जाए, फिर तुमको और तुम्हारे पूरे परिवार को ऐसी दर्दनाक मौत दूंगा कि तुम्हारी साथ पुस्ते तक को जाएगी। वही विक्रांत जल्दी का गुस्सा शांत कर उससे कहता है, कालकेय अब क्या करना है। कालकेय एक नजर विक्रांत की तरफ देखता गई, फिर बाकी सब की तरफ देखता है और अपनी लाल आंखें कसकर बंद करता है, और फिर अपनी आंखें खोलता है जो कि अब गहरी काली थी, जिसे देखकर विक्रांत भी उससे दो कदम दूर बना देता है, क्योंकि उसको कालकेय की लाल आंखों से नहीं काली गहरी काली आंखें से डर लगता था। कालकेय अपनी नजरें काली की तरफ करके उसको अपनी कठोर नजरों से घूरते हुए कहता है, क्या जरूरत थी तुमको इतनी जल्दबाजी में उस हीरे को चुने की, जिससे हमारा सारा बना बनाया प्लान चपत हो गया, उन सबको हमारे ये होने की खबर मिल गई, क्योंकि मैंने तुम लोगों को जो जल दिया था, जिस किसी को भी हमारे आसपास होने का एहसास नहीं हो सकता था, पर तुमने सारा प्लान चौपट किया। इतना कहकर कालकेय काली को मरने के लिए उसकी तरफ बढ़ ही रहा था कि जॉन बीच में आकर कालकेय को रोकते हुए कहता है, क्षमा करना कालकेय, मैं आपको रोक रहा हूँ, पर काली ने जो भी किया वो हमारे फायदे के लिए ही किया है, आप भूल गए क्या महागुरु ने हमसे क्या कहा था, कैसे भी करके हमको उस दिव्य तेजस्वी हीरे को अपवित्र करना था, जिससे हम उसको आसानी से छू सकते हैं। कालकेय जॉन की बातें सुनकर अपनी जगह पर रुक जाता है। जॉन की बातों को सुनकर उसको महागुरु ने जो भी उसको बताया था वो सब याद आता है। उसे याद आते ही उसकी गहरी काली आंखें फिर से नॉर्मल हो जाती है। वो एक नजर जॉन के पीछे डर से कांप रहे काली को देखता है, फिर जॉन को, और फिर एक नजर महेश मेहरा और विक्रांत की तरफ घूमता है। कालकेय जॉन को साइड करके काली के सामने आकर उसके सर पर हाथ रख देता है। उसके ऐसा करते ही काली डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर देता है। वही कालकेय की आगे की बातें सुनकर उसकी आंखें खुल जाती है और वो एक तक कालकेय की तरफ देखता है। वही कालकेय ने जो कुछ भी काली से कहा था उसे सुनकर जॉन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। इससे उलट महेश मेहरा और विक्रांत राजावत के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वही दूसरी तरफ अयाना और उसके साथी उस जगह से गायब होकर इस वक्त एएम सोसाइटी में बने अपने व्हाइट मैंशन के अंदर थे। सभी इस वक्त व्हाइट मैंशन में ही हॉल में बैठे हुए थे। कुछ अयान की तरफ देखकर कहता है, अयान अच्छा हुआ तुमने टाइम पर स्मोकिंग बॉम्ब को छोड़ दिया, जिससे हम आसानी से उस जगह से निकल गए थे।
अयान उसकी बात सुनकर कुछ नहीं कहता। वो अयाना की तरफ देखकर कहता है, अनु अब आगे क्या करना? महागुरु ने जैसा बताया था उसके मुताबिक इस दिव्य हीरे के मिलने के बाद हमको उसकी 5 दिन तक पूजा करनी ही, उसके बाद ही हम उसको एक रक्षा कवच में बांधकर अगले 1000 सालों को लिए फिर से एक बार सुरक्षित कर सकते हैं। अटाना उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखकर कहती है, आयु तुम चिंता मत करो, पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है, अभी से ठीक 2 घंटे बाद पूजा का प्रारंभ हो जाएगा और तब तक दादू और बाकी सारी फैमिली भी हमारे पास आ जाएंगे। इतना कहकर वो बाकी सब की तरफ देखकर कहती गई, अब तुम सब 2 घंटे के लिए आराम कर सकते हो, उसके बाद शायद ही तुम लोगों को अगले 5 दिन तक आराम करने को मिलने वाला है, क्योंकि अब तक विक्रांत और उसके साथियों को हमारे ठिकाने जा पता चल ही चुका है और नहीं पता चला तो जल्द ही पता चल जाएगा। वैसे भी बात अलग है कि उन सबको 5 दिन लग जाएंगे इस एम सोसाइटी की सिक्योरिटी को तोड़कर अंदर घुसने को, और कुछ कह रही सकते क्योंकि मुझे जहां तक आभास हो रहा है उन सबके पास काली शक्तियां हैं और उनमें से कालकेय तो काली शक्तियों का सरदार प्रतीत ही रहा है। कालकेय और उसके साथियों अपने सामने दिखाई दे रही उस रोशनी को देखकर बेहद खुश थे। उन सबकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो सभी तेजी से उस रोशनी का पीछा करने लगते हैं जो कि धीरे धीरे कम हो रही थी, और वो लोग अच्छे से जानते थे अगर एक बार वो रोशनी उनके आंखों से ओझल हुई तो ब्लॉक फिर उसे नहीं ढूंढ पाएंगे, इसलिए सभी तेजी से उस रोशनी का पिछला कर रहे थे और उस रोशनी के लुप्त होने से पहले ही वो सभी उस तक पहुंच गए थे। कलकेय, विक्रांत, राजावत, जॉन काली और महेश मेहरा आसानी से अपने सामने रक्षक को अपने हाथ में पकड़े उस हीरे को माथे पर लगाते हुए देख सकते थे, जिसे देखकर उनकी आंखें चमकने लगी थी। अब उनको जैसे भी करके उस हीरे को हासिल करना था। काली के नजर जैसे ही रक्षक के हाथ में पकड़े उस हीरे पर जाती है तो वो एक मोहपाश में बंध जाता है और उसके नजलत उसके कदम उस हीरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। किसका भी ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता। काली बड़े ही आसानी से अनाया से 2 कदम की दूरी तक पहुंच गया था। वक्त यान कुछ देवांश मुस्कान के साथ सभी की आंखें बंद थी, जिससे उनने काली को अयाना की तरफ बढ़ते हुए नहीं देखा था। वही अयाना अपनी आंखें बंद कर हुए थी पे जल्द ही उसको अपने पास नकारात्मक शक्ति का एहसास होता है, जिससे उसकी आंखें खुल जाती है तो उसकी अंजीर अपने हाथों में रखे उस दिव्य हीरे पर जाती है, जिसे देखकर उसके चेहरे पर मिस्टीरियस स्माइल आ जाती है। अयाना पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पीछे ठीक 2 कदम की दूरी पर काली खड़ा था और उसकी आंखों में अलग ही चमक थी। वो एक तक अयाना के हाथ में मौजूद उस दिव्य महाशक्तिशाली हीरे को देख रहा था, जिसमें पूरे ब्रह्मांड की आधी शक्तियां सम्मिलित थी। अयाना काली को नजर देखती है और उसकी आंच का पीछा करती है तो उसे एक तक अपने हाथ में मौजूद उस दिव्य हीरे को देखते हुए देखकर अयाना के होठों पर डेविल स्माइल आ जाती है, जिसे किसी के नजर में आने से पहले वो बड़ी ही आसानी से छुपा लेती है। अयाना ने काली से ही कुछ दूरी पर खड़े कालकेय, विक्रांत, राजावत और उसके साथ उनके और 2 साथी अब को भी देख लिया था। वही काली अपने मुंह में अपना हाथ आगे बढ़ाकर इस हीरे को हाथ लगाने ही वाला था कि अचानक वो एक झटके के साथ दूर जाकर गिरता है। उसने जो हाथ उस दिव्य हीरे को हाथ लगाने के लिए बढ़ाया था वो जल गया था। काली की एक दर्दनाक चीख से सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। वही अयान और कुश जल्द ही अपनी हरकत में आ जाते हैं। उनकी नजर पहले अयाना पर जाती है, जिसको सही सलामत देख कर दोनों चैन की सांस लेते हैं। उसके बाद उनसे कुछ दूर गिरे हुए काली की तरफ देखते हैं, जो कि अपना हाथ पकड़े हुए दर्द से चीख रहा था। अयान और कुश जल्द से अयाना के साथ खड़े हो जाते हैं। वही मुस्कान, देवांश और बाकी के 4 गार्ड भी अयान के आसपास उसको प्रोटेक्ट करने के लिए खड़े हो जाते हैं। वही कालकेय और बाकी सबका ध्यान काली की चीख से उसकी तरफ चला जाता है। वो सब जब उसको दर्द में तड़पते और चीखते देखते हैं तो वो उसके पास जाकर उसको खड़े होने में मदद करते हैं। वही कालकेय अपनी शक्तियों से काली
के जले हुए हाथ को फर्ज पहले जैसा कर देता है, जिस अब काली दर्द से मुक्त हो जाता था, पर अभी जो दर्द उसने 5 मिनट पहले सह था वो उसे लिए किसी मौत से कम नहीं था। उसने अभी तो उस दिव्य हीरे को चूहा ही नहीं था, तभी उसका ये हाल था। अगर उसने उसको चूहा होता तो उसका क्या हाल होता, ये सोचकर ही काली की रूह को जाती है। हो घबरात हुए अयाना के हाथ में पकड़े उस तेजस्वी हीरे को देख रहा था। वही विक्रम और बाकी सब अपने सामने खड़े अयाना आयार उसके साथियों की तरफ देखते हैं। अयाना उन सब की तरफ देख कर कहती है, तुम सब ये पर क्या कर रहे हो? उसकी बात सुनकर कलकेय हंसते हुए कहता है, तुमको नहीं पता हम सब ये पर किस लिए आए हैं? उसकी बात सुनकर अयाना उसकी तरफ देखते हुए अपने कोल्ड चेहरे के साथ कहती है, पता है वो सब तुम लोगों की गांधी आंखें देखने भर से ही पता चल जाता है, पर मैं तुम लोगों को चेतावनी दे रही हूँ, मेरे रास्ते मत आने और अपनी ये गंदी नजरें इस दिव्य तेजस्वी हीरे से दूर ही रखना, क्योंकि तुम लोग जिस मकसद से यह पर आए हो वो कभी पूरा नहीं हो सकता। उसकी बात सुनकर कालकेय के साथ बाकी चारों को भी गुस्सा आ जाता। हंसी कालकेय अपनी गुस्से लाल हुई आंखों से अयाना की तरफ देखते हुए कहता है, कैसा पूरा नहीं होगा, हमारा मकसद पूरे 1000 सालों से उस पल का इंतजार किया है, अब चाहे इस हीरे को पाने के लिए कुछ भी करना पड़े, पर इस बार ये हीरा मैं पाकर ही रहूंगा। उसकी बात सुनकर अयाना उसकी तरफ देखकर कहती है, अभी तो तुम्हारे साथी ने इस दिव्य हीरे को चूहा भी नहीं, पर उसकी क्या हालत हो गई है ये तो तुम लोगों ने अच्छे से देख भी लिया है, तो अब इस हीरे को हासिल करने के सपने छोड़ दो। उसकी बात सुनकर कालकेय उसकी बात का जवाब देने ही वाला था कि अचानक उनके सामने सफेद धुआं फैलने लगता है, जिससे सामने का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, और उसी का फायदा उठाकर अयाना और उसके साथी वहां से गायब हो जाते हैं। वही अपने सामने फैल रहे इस दिए को देख कालकेय और उसकी साथियों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, आखिर ये हो क्या रहा है। कुछ ही सेकंड बाद वो दुआ गायब हो जाता है और अब उनको अपने समवे का सब कुछ दिखाई देता है। जब उनको अपने सामने अयाना और उसके साथी नहीं दिखते तो कालकेय बौखला जाता है, यही हाल बाकी सबका भी था। कालकेय गुस्से में कहता है, धोखा धोखा ये तुम ठीक नहीं किया, इसका खामियाजा तुमको चूकना पड़ेगा, बस एक बार वो दिव्य तेजस्वी हीरा मेरे हाथ में आ जाए फिर तुमको और तुम्हारे पूरे परिवार को ऐसी दर्दनाक मौत दूंगा कि तुम्हारी साथ पुस्ते तक को जाएगी। वही विक्रांत जल्दी का गुस्सा शांत कर उससे कहता है, कालकेय अब क्या करना है। कालकेय एक नजर विक्रांत की तरफ देखता गई फिर बाकी सब की तरफ देखता है और अपनी लाल आंखें कसकर बंद करता है और फिर अपनी आंखें खोलता है जो कि अब गहरी काली थी, जिसे देखकर विक्रांत भी उससे 2 कदम दूर बना देता है, क्योंकि उसको कालकेय की लाल आंखों से नहीं काली गहरी काली आंखें से डर लगता था। कालकेय अपनी नजरें काली की तरफ करके उसको अपनी कठोर नजरों से गुरते हुए कहता है, क्या जरूरत थी तुमको इतनी जल्दबाजी में उस हीरे को चुने की, जिससे हमारा सारा बना बनाया प्लान चपत हो गया, उन सबको हमारे ये होने की खबर मिल गई, क्योंकि मैंने तुम लोगों को जो जल दिया था, जिस किसी को भी हमारे आसपास होने का एहसास नहीं हो सकता था, पर तुमने सारा प्लान चौपट किया। इतना कहकर कालकेय काली को मरने के लिए उसकी तरफ बढ़ ही रहा था कि जॉन बीच में आकर कालकेय को रोकते हुए कहता है, क्षमा करना कालकेय, मैं आपको रोक रहा हूँ, पर काली ने जो भी किया वो हमारे फायदे के लिए ही किया है, आप भूल गए क्या महागुरु ने हमसे क्या कहा था, कैसे भी करके हमको उस दिव्य तेजस्वी हीरे को अपवित्र करना था, जिससे हम उसको आसानी से छू सकते हैं। कालकेय जॉन की बातें सुनकर अपनी जगह पर रुक जाता है। जॉन की बातों को सुनकर उसको महागुरु ने जो भी उसको बताया था वो सब याद आता है। उसे याद आते ही उसकी गहरी काली आंखें फिर से नॉर्मल हो जाती है। वो एक नजर जॉन के पीछे डर से कांप रहे काली को देखता है, फिर जॉन को और फिर एक नजर महेश मेहरा और विक्रांत की तरफ घूमता है। कालकेय जॉन को साइड करके काली के सामने आकर उसके सर पर हाथ रख देता है। उसके ऐसा करते ही काली डर के
मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर देता है। वही कालकेय की आगे की बातें सुनकर उसकी आंखें खुल जाती है और वो एक तक कालकेय की तरफ देखता है। वही कालकेय ने जो कुछ भी काली से कहा था उसे सुनकर जॉन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। इससे उलट महेश मेहरा और विक्रांत राजावत के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वही दूसरी तरफ अयाना और उसके साथी उस जगह से गायब होकर इस वक्त एएम सोसाइटी में बने अपने व्हाइट मेंशन के अंदर थे। सभी इस वक्त व्हाइट मेंशन में ही हॉल में बैठे हुए थे। कुछ अयान की तरफ देखकर कहता है, अयान अच्छा हुआ तुमने टाइम पर स्मोकिंग बॉम्ब को छोड़ दिया, जिससे हम आसानी से उस जगह से निकल गए थे। अयान उसकी बात सुनकर कुछ नहीं कहता। वो अयाना की तरफ देखकर कहता है, अनु अब आगे क्या करना? महागुरु ने जैसा बताया था उसके मुताबिक इस दिव्य हीरे के मिलने के बाद हमको उसकी 5 दिन तक पूजा करनी ही, उसके बाद ही हम उसको एक रक्षा कवच में बांधकर अगले 1000 सालों के लिए फिर से एक बार सुरक्षित कर सकते हैं। अटाना उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखकर कहती है, आयु तुम चिंता मत करो, पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है। अभी से ठीक 2 घंटे बाद पूजा का प्रारंभ हो जाएगा और तब तक दादू और बाकी सारी फैमिली भी हमारे पास आ जाएंगे। इतना कहकर वो बाकी सब की तरफ देखकर कहती गई, अब तुम सब 2 घंटे के लिए आराम कर सकते हो, उसके बाद शायद ही तुम लोगों को अगले 5 दिन तक आराम करने को मिलने वाला है, क्योंकि अब तक विक्रांत और उसके साथियों को हमारे ठिकाने जा पता चल ही चुका है, और नहीं पता चला तो जल्द ही पता चल जाएगा। वैसे भी बात अलग है कि उन सबको 5 दिन लग जाएंगे इस एम सोसाइटी की सिक्योरिटी को तोड़कर अंदर घुसने को, और कुछ कह नहीं सकते क्योंकि मुझे जहां तक आभास हो रहा है उन सबके पास काली शक्तियां हैं, और उनमें से कालकेय तो काली शक्तियों का सरदार प्रतीत ही रहा है। अयाना के कहे अनुसार बाकी सभी आराम करने के लिए व्हाइट मेंशन में मौजूद अपने कमरे नहीं चले जाते हैं। वही इस वक्त हॉल में सिर्फ अयाना अयान और कुछ थे। थोड़ी ही देर में व्हाइट मेंशन के सीक्रेट डोर से वहां पर पूरी मित्तल फैमिली एंटर करती है। अयाना के दादा दादू डैड बड़े पापा बड़ी माँ और लव सभी अयाना और अयान से मिलते हैं। अयाना उनोगो को थोड़ी देर आराम करने के लिए कहती है और वो खुद भी अयान के साथ अपने कमरे में चली जाती है। 2 घंटे बाद इस वक्त अयान और अयान के साथ प्यार मित्तल फैमिली व्हाइट मेंशन के हॉल में मौजूद थी। आयुष और राशि मित्तल भी इस वक्त हॉल में मौजूद थी। राशि जो को अब तक होश नहीं आया था वो अभी भी कोमा में ही थी। आयुष ने उनको व्हील चेयर पर बिठा दिया था। आज वो भी पूजा में शामिल होने वाली थी। अयाना उन सबको लेकर व्हाइट मेंशन के बेसमेंट में चली जाती है। वही सब बेसमेंट में पहुंचकर कंफ्यूजन के साथ अयाना को देख रहे थे। अयाना उन सबके कंफ्यूजन से बारे चेहरे को देखकर उनका कंफ्यूजन दूर करते हुए कहती है, हमको पूजा करने वाली है, वो पूजा शिव जी के पवित्र मंदिर में होना जरूरी है, और वो पवित्र मंदिर भी इस महाशक्तिशाली हीरे के साथ ही पिछले 1000 सालों से धरती के गर्भ में चुप हुआ है, और उस तक जाने का रास्ता इस बेसमेंट से ही होकर गुजरता है। सभी जब अयाना का बातें सुनते हैं तो उनकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाती है। अयाना उन सबसे का अपने जगह पर रुकने को कहकर उन सबसे कुछ कदम आगे जाती है और अपना हाथ जोड़कर एक तक आगे बेसमेंट को दीवार को देखती हुई मंत्र उच्चारण करती है। उसके मंत्र उच्चारण से सामने वाली दीवार में दरार आने लगती है और कुछ ही सेकंड बाद वो दीवार टुकड़ों में टूटकर नीचे गिर जाती है और उसके पीछे से एक रास्ता दिखाई देने लगता है। अयाना अपने कदम आगे बढ़कर उस रास्ते पर चलने लगती है और उसके पीछे उसकी फैमिली और उसके साथी भी चलने लगते हैं। जैसे ही सभी उस दीवार के उस पार हो जाते हैं वैसे ही वो टूटी हुई दीवार फिर से जुड़ने लगती गई और कुछ ही समय में वो दीवार फिर से पहली जैसे हो जाती है। अयाना और उसका परिवार उस रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। जैसे जैसे अयाना अपने एकदम आगे बढ़ा रही थी वैसे वैसे उस पूरे रास्ते में रोशनी फैलती जा रही थी। कुछ ही समय बाद वो सभी जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। लव अयाना से कहता है, प्रिंसेस हम तो भूगर्भ में छुपे हुए मंदिर की तरफ जा रहे थे, ना तो फिर हम जंगल के
बीचों बीच कैसे पहुंच गए, ये तो कोई मंदिर नहीं है। उसकी बात सुनकर अयाना उससे कहती है, भाई हम भूगर्भ में छिपे मंदिर के पास ही खड़े हैं। अनाया ने इतना ही कहा था कि सभी उसकी तरफ न समझी में देखने लगते हैं। अनाया उन सबको एक तरफ देखने को कहती है। सब अयाना के कहने पर उस तरफ देखते हैं तो उनको वहां पर खाली जमीन दिखती है, जिस पर बेहद ही खूबसूरत फूल पौधे लगे हुए थे और वो पौधे उस पूरे जंगल में एकलौट ही अपने आप में खास थे, क्योंकि उस जंगल में वो चार उड़े ही अलग जाति के थे, बाकी के सारे सेम पेड़ पौधे थे। अयाना उन फोर पौधों की तरफ चल पड़ती है, उन पौधे के चार कदम के दूरी पर रुक जाती है और आसमान की तरफ अपने दोनों हाथों को फैलती है और अपनी आंखें बंद करके मंत्रों का उच्चारण करने लगती है। अनाया की फैमिली इससे थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। जब वो सभी अयाना के मंत्र उच्चारण की आवाज सुनते गई तो सभी अपने हाथ जोड़कर पानी आंखें बंद करके खड़े हो जाते हैं। अयाना के मंत्र उच्चारण की गति समय के साथ तेज होती जा रही थी, उसी के साथ उसके आसपास का वातावरण में भी बदलाव आसानी से देख जा सकता था। जैसे अयाना के मंत्र उच्चारण की गति बढ़ रही थी, वैसे वैसे आसपास चल रही हवा ने अपना रुख बदला दिया था। हवा तेजी गति से बहने लगी थी, आसमान में एक अलग ही प्रकार की लालिमा छा गई थी। अयाना के सामने चार कदम की दूरी पर जो चार खूबसूरत पौधे थे, वो चारों पौधे धीरे धीरे जमीन के अंदर धंसने लगे थे। एक समय ऐसा आया कि वो पौधे वहां से भूगर्भ में समा गए थे और उनके भूगर्भ में समा जाने के बाद ही जमीन के नीचे लुप्त हुआ। भगवान शिव का मंदिर धीरे धीरे ऊपर आने लगा था। कुछ ही समय में भगवान शिव का तेजस्वी मंदिर, जो कि पिछले 1000 सालों से भूगर्भ में समय था, वो इस वक्त धरा पर प्रकट हो गया था और उसी के चलते धरती पर जितने भी भगवान शिव के मंदिर थे, उन सब में जोर जोर घंटियां बज रही थी। वही सभी भक्त जो भगवान शिव के मंदिर में दर्शन के लिए आए थे, वो सभी मंदिर हो रही घंटी के नाद सुनकर अपनी आंखें बंद कर भगवान को प्रणाम करे खड़े थे। आज भगवान शिव के हर एक मंदिर का उसके आजू बाजू में एक अलग ही प्रकार सुकून और अलग ही प्रकार की सकारात्मक शक्ति वास कर रही थी। जो भी बुराई फैल रही थी, वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी। वही अयाना को जब आभास होता है कि भगवान शिव का मधुर भूगर्भ से धरती पर प्रकट हो गया है, तो वो अपनी आंखें खोल देती है और अपने सामने दिख रहे भगवान शिव के विशाल और मनमोहक मंदिर को देखकर ही उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आने लगती है और उसी के साथ उसके माथे के बीचों बीच कुछ चमकने लगता है, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे भगवान शिव की तीसरी आंख ही बाहर आने की कोशिश कर रही थी। वही दूसरी तरफ कालकेय और उसके साथी इस वक्त एम सोसाइटी के बाहर खड़े थे। उस सोसाइटी की सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि वो लोग उस सोसाइटी के अंदर कदम ही नहीं रख पा रहे थे। पिछले आधे घंटे से कालकेय और उसके साथी उस सिक्योरिटी को पार करके अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे, पर हर बार विफल हो रहे थे। कालकेय अब जला गया था। कालकेय एक जग पर शांति से बैठ आंखें बंद कर ध्यान में बैठ गया था। वो अपनी आंखें बंद करके अपनी शक्तियों से अयाना के ठिकाने का पता करने की कोशिश कर रहा था कि वो इस वक्त कहां पर है और क्या कर रही है। वही विक्रांत एक नजर अपने सामने ध्यान में बैठे कालकेय को देखता है और फिर अपने साथियों को देखता है, जो कि अभी भी सामने की सिक्योरिटी को पर करने की कोशिश में लगे थे। जब विक्रांत देखता है किसी का भी ध्यान उस पर नहीं है, तो विक्रांत अपनी शक्तियों के इस्तेमाल से वहां से गायब हो जाता है और उस जगह पर उनको शक न हो, इसलिए अपनी परछाई वहां पर चोट देता है। इस वक्त विक्रांत एएम सोसाइटी से निकलकर सीधा काली पहाड़ी पर चला गया था। वहां जाकर विक्रम सीधे महागुरु के कक्ष में चला जाता है। उस कक्ष में महागुरु की फोटो लगी थी, जिस पर हार चढ़ा हुआ था। विक्रांत महागुरु के तस्वीर के सामने जाकर खड़ा होता है और उनकी तस्वीर को एक तक देखने लगता है और अचानक ही उसकी आंखें गहरी लाल हो जाती है और उसी के साथ विक्रांत जोर जोर से हंसने लगता है, जिससे वो बेहद ही खतरनाक और डरावना लग रहा था। विक्रांत अपनी लाल आंखों से महागुरु की तस्वीर को देखते हुए अपनी कोल्ड और गहरी आवाज में कहता है, बेहद ही
अच्छा खेल खेला है तुम लोगों ने, तुम सबको क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं चलेगा, अब तुम देखना अब मैं क्या करता हूँ। इतना कहकर वो वहां से पलक झपकते ही गायब हो जाता है। वही दूसरी तरफ कल्कि ने अपनी सारी शक्तियों को एकत्रित करके अयाना और उस दिव्य तेजस्वी हीरे का पता लगा लिया था और वो अपने साथियों के साथ उस जगह के लिए निकल चुका था। दूसरी तरफ एक अनजान जगह पर फाइव लोग सर से लेकर पर तक काले कपड़े पहने हुए अपनी पीठ पर बैग लटकाकर हाथों में एक बेहद ही यूनिक डिजाइन की गन लिए एक तरफ बढ़ रहे थे वो सभ्य। इस वक्त मुंबई के बाहर एक सुनसान जगह पर बने एक लोते दो मंजिला घर के 1000 मीटर के रेडियस के बाहर खड़े थे। वो ये से अंदर जा नहीं सकते थे क्योंकि वो लोग अपने सामने उस दो मंजिला घर के बाहर 1000 मीटर की रेडियस में दिखाई दे रही टाइट सिक्योरिटी को अच्छे देख रहे थे। वो पांचों ही कुछ दूरी पर खड़े होकर अपनी पास रखी दूरबीन से उस घर के आसपास का मुआयना कर रहे थे। सामने इतनी टाइट सिक्योरिटी देखकर वो सभी एक दूसरे को देखते और न मैं अपना सर हिलाते हैं। उन पांच लोगों में से एक कहता है ये तो बड़ी तगड़ी सिक्योरिटी है, इसको कैसे पर करे। उसकी बात सुनकर दूसरा कहता है हाँ तुम ठीक कह रहे हो, लगता है इस बार उसने बड़े आदमी से पंगा लिया है। वही तीसरा आदमी कहता है पता नहीं वो क्या इतने बड़े आधी से इलाज गई है और यहाँ हम लोगों को खुद को छुड़ाने के लिए बुलाता है, ये खुद तो मरेगी पर लगता है हम लोगों को भी साथ में लेकर जाएगी। उसकी बात सुनकर चौथा शख्स कहता है तुम तीनों की बात तो सही है और बात में पॉइंट भी है पर हमको कैसे भी करके एनी हाउ उसको इस तगड़ी सिक्योरिटी को तोड़कर बचाना होगा क्योंकि आप सब तो जानते हैं कि उसका जिंदा होना हमारे लिए कितना जरूरी है, खास तौर पर अगले महीने होने वाली उस डील के लिए तो उसका जिंदा रहना सबसे जरूरी है, उसके बाद हम खुद ही उसको अपने रास्ते से हटा देंगे। उसकी बात सुनकर पांचवा शख्स जो उन सब की बातें सुन रहा था वो कहता है तुम सही कह रहे हो पर अब उसको कैसे मारना है वो हम बाद में सोचेंगे, पहले सामने की सिक्योरिटी को तोड़कर हमको अंदर घुसना है और जहां तक मैं देख रहा हूँ एक बार हमने अपने सामने की सिक्योरिटी को तोड़ लिया उसके बाद जहां पर हो किडनैप है उस घर के आजू बाजू इतनी टाइट सिक्योरिटी नहीं है, एक बार बस उस घर तक हम पहुंच गए तो हम उसे आसानी से वहां से छुड़ा सकते हैं। उसकी बात सुनकर सभी का ध्यान भी वो जिस दिशा में देख रहा था उस तरफ चला जाता है। तो आगे क्या होने वाला है आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर शेयर करें। सो अभी कहानी जारी रहेगी, सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कॉमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।